A line chart or line graph is a type of chart which displays information as a series of data points. Line chart किस form में information को represent करता है? In the form of data points, right? And these data points are called as markers, right? Now you can see in the picture ये क्या है? आपके markers हैं और you can see data points हैं, okay? And these data points are connected with the help of the straight lines. ये किसकी help से connected है? इनको कौन join करता है? Straight line इनको join करती है. That's why we call it line chart, right? Okay. The pie plot interface offers plot function for creating a line graph. So line graph आप कैसे create करते हो? By using the plot function of pie plot module, right? To create a line graph, we need x and y coordinates. और आपको line graph create करने के लिए क्या-क्या चाहिए? X coordinate चाहिए, means x sequence चाहिए and y sequence का data चाहिए, right? Now we will do it practically. Let's do it practically, okay? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें import करना है matplotlib library को, right? matplotlib.pyplot.plt, right? आपने matplotlib library को import किया है, okay? अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x sequence and y sequence. तो हम लेते हैं x sequence के लिए date variable को और इसमें मैं ले लेती हूँ dates. राइट तो मैंने यहाँ पे ले लिया है डेट को 25/12 राइट वन डेट देन सेकंड ओके एंड नाउ नेक्स्ट वेरिएबल फॉर द वाई सीक्वेंस टेम्परेचर ले लेते हैं कि इस डेट पे टेम्परेचर क्या था लेट अस सपोज मैंने ले लिया 20, 22 एंड 24 ओके नाउ अब हमें क्या क्रिएट करना है हमें लाइन ग्राफ क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे matplotlib का प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर और उसमें एक्स एंड वाई सीक्वेंस को पास करेंगे तो एक्स पे हमें चाहिए डेट तो डेट को पास कर दो एंड वाई पे हमें चाहिए टेम्परेचर तो हमने टेम को पास कर दिया यहाँ पर राइट नाउ सिंपली आपको क्या करना है अपने ग्राफ को शो कराना है तो हम यहाँ पे matplotlib के शो फंक्शन पाई प्लॉट मॉड्यूल के शो फंक्शन का यूज करेंगे राइट नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस नाउ वी हैव गॉट आर लाइन प्लॉट हियर देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने डेट दिया था तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस आ गया है एंड वाई एक्सिस पे आपका क्या आ गया टेम्परेचर आ गया 20 ओके एंड आपका क्या है 22 ओके एंड 24 राइट तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया यहाँ पे राइट नाउ What we will do, अब हम क्या करते हैं अब हम देते हैं x एक्सिस को एंड y एक्सिस को नेम राइट तो उसके लिए हम यूज करेंगे plt.xlabel x लेवल में हम दे देंगे डेट राइट एंड plt.ylabel y लेवल पे हम दे देते हैं टेम्परेचर राइट एंड हम दे देते हैं अपने ग्राफ को टाइटल ओके तो इसको हमने दे दिया plt.title टाइटल में दे दो डेट वाइज टेम्परेचर राइट डेट वाइज टेम्परेचर दिस इज आवर टाइटल ओके नाउ एग्जीक्यूट दिस नाउ अब आप यहां पे देखो आपका x लेवल आ गया डेट y लेवल आ गया आपका टेम्परेचर ओके एंड आपका चार्ट का आपके ग्राफ का टाइटल आ गया डेट वाइज टेम्परेचर ओके अब यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं कैसे आप यहाँ पे एक पैरामीटर पास करोगे फॉन्ट साइज का राइट इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं फॉन्ट साइज और मैं फॉन्ट साइज कर देती हूँ यहाँ पे 15 ले लेते हैं फॉन्ट साइज इसी को कॉपी करके हम इसके अंदर पास कर देते हैं And here, okay. Now इसको execute करते हैं. Now you can see यहाँ पे आप देखो date का भी font size increase हो गया है आपका y level जो temperature है उसका भी font size increase हो गया है और आपका title का भी font size increase हो गया है, right? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चार्ट में ग्रिड लेंथ भी शो करो राइट तो आप यहाँ पे क्या करोगे ग्रिड फंक्शन का यूज करोगे plt.grid ग्रिड ओके एंड उसमें आप पास करोगे ट्रू
right? Okay, now we will execute this. Now look at the picture. क्या है आपकी ग्रिड लाइन्स भी आ गई हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं ये चाहती हूं, पहले हम फिगर को देखते हैं. देखो यहाँ पे y एक्सिस पे देखो ये डिफॉल्ट टिक्स आए हुए हैं. टिक्स क्या होते हैं? ये जो लाइंस बनी हुई है इनको टिक्स बोलते हैं, राइट? ये डिफॉल्ट टिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट? बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे वहीं पर टिक्स आए जहां पे आपकी वैल्यूज है. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर, नॉट पैरामीटर, हम यहाँ पे y टिक्स फंक्शन का यूज करेंगे. ठीक है, अगर आपको x पे टिक्स अपने टिक्स लगाने हैं तो आप x टिक्स फंक्शन का यूज करते हो. अगर आपको y एक्सिस पे टिक्स यूज करने हैं, ओके, तो आप y टिक्स का यूज करते हो. तो मैं यहाँ पे y टिक्स का यूज कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जहां पे टेम्परेचर है, जो मैंने टेम्परेचर दिया है वहीं पे टिक्स पॉइंट्स आए, राइट? ओके, मींस कहाँ कहाँ आए? हमारा टेम्परेचर था 22, ओके, एंड सी 20, 22 एंड 24. ओके, तो मैंने यहाँ पे y टिक्स दे दिया है, फंक्शन plt.y टिक्स, उसमें टेम्परेचर को पास कर दिया है. ओके, एग्जीक्यूट दिस. Now look at the picture. अब आपके पास सिर्फ आपकी values point पे ही ticks आए हैं, 20, 22 and 24. ऐसे ही आप x axis पे अगर आपको ticks लगाने हैं तो आप क्या करोगे, plt.x ticks, और आप अपना जो भी आप ticks use करना चाहते हो वो उसके अंदर sequence pass कर दोगे. Okay? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा line graph का default color है वो क्या है, blue, right? And I want to change this color. आपको क्या करना है, अपने ग्राफ का, अपने प्लॉट का कलर चेंज करना है. तो आप क्या करोगे, प्लॉट फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करोगे कलर, राइट? और कलर के अंदर जो भी आप कलर देना चाहते हो, राइट, आप क्या कर सकते हो, आप करेक्टर कोड्स में भी दे सकते हो और कलर नेम्स में भी कलर को दे सकते हो, राइट? तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, जो भी कलर देना है उसका मैं यहाँ पे दे देती हूँ, कलर इक्वल्स टू आर, तो आर स्टैंड फॉर रेड. ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब आपका लाइन क्या हो चुका है, रेड कलर का हो चुका है, राइट? आपकी लाइन ग्राफ रेड कलर की हो चुकी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज लाइन विड्थ. ओके, बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होती है, 1 पिक्सल की आपकी लाइन आती है, राइट? और यहां से हम क्या कर सकते हैं, लाइन विड्थ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी विड्थ. ओके, और किस में डिफाइन होती है, पिक्सल्स में आती है आपकी, राइट? ओके, नाउ तो हमारी 1 पिक्सल की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, लाइन की विड्थ है, राइट? तो वी विल चेंज इट. आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं दे देती हूँ लाइन विड्थ एट्रीब्यूट को, और यू कैन से लाइन विड्थ पैरामीटर को, और मैं इसमें दे देती हूँ लेट अस सपोज 8 पिक्सल, राइट? लाइन विड्थ आपने क्या दे दिया है, 8 पिक्सल. ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको. सी लाइन की विड्थ आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, फाइन. नाउ we can also set the line style of a line chart using the line style parameter. okay, तो यहाँ पे तो हमने line width इसकी क्या किया, change की है, ठीक है? default आपकी 1 pixel थी. आप क्या कर सकते हो, आप अपने line का, अपने line graph का style भी change कर सकते हो. okay, उसके लिए आप कौन सा parameter pass करोगे, उसके लिए आप pass करोगे line style parameter, fine? line style, तो मैं let us suppose यहाँ पे दे देती हूँ line style dotted. ओके, मैंने लाइन स्टाइल डॉटेड दे दिया है, आप डैश दे सकते हो, डैश डॉट दे सकते हो, सॉलिड, राइट? तो यहाँ पे देखो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं. देखो अब आपका लाइन का स्टाइल क्या हो गया है, आपका लाइन ग्राफ डॉटेड फॉर्म में आ गया है, फाइन. जब आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो, राइट, अगर आप मार्कर्स को स्पेसिफाई नहीं करते हो, मार्कर टाइप आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो मार्कर्स विजिबल नहीं होते हैं, राइट? तो अगर आपको मार्कर्स को शो करना है, राइट, डेटा पॉइंट्स को शो करना है, तो आपको यहाँ पे मार्कर स्पेसिफाई करना होगा, राइट, मार्कर का टाइप स्पेसिफाई करना होगा. तो ये हम पैरामीटर्स कर चुके हैं, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट, ये पैरामीटर्स मैंने हटा दिया है. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मार्कर्स को स्पेसिफाई करेंगे. ओके, वी विल सी मार्कर्स, राइट? तो यहाँ पे मैंने इसको कलर को भी, कलर पैरामीटर आप समझ चुके हो, राइट? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लेंगे मार्कर, फाइन. लाइन विथ ले लेते हैं जिससे थोड़ा बड़ा आएगा, लाइन विथ पैरामीटर हम ले लेते हैं, लाइन विथ हम ले लेते हैं यहाँ पर 10. ओके, नेक्स्ट, ओके, मार्कर पैरामीटर आप पास करोगे. ओके, एंड आप यहाँ पे सिंबल दोगे जैसा मार्कर आप चाहते हो कि वो डिस्प्ले करे, फाइन. मैंने यहाँ पे दे दिया बी. ओके,
मार्कर का आप साइज डिफाइन कर सकते हो। मार्कर का साइज मैं दे देती हूँ, मार्कर का साइज मैंने दे दिया यहाँ पे 15, राइट? ओके, मार्कर साइज इज 15। तो जो आपने 15 दिया है वो क्या है, 15 पॉइंट्स है, राइट? तो यहाँ पे हमने मार्कर का, आपने मार्कर का सिंबल दे दिया है, ओके, एंड आपने मार्कर का साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है 15, राइट? दिस इज योर मार्कर साइज एंड दिस इज योर मार्कर, ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट। सी, अब देखो यहाँ पे मार्कर्स में आपने क्या किया है, मार्कर एच कलर नहीं दिया, तो मार्कर क्या क्लियरली विजिबल नहीं है, ओके, डेटा पॉइंट्स आपके क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि वो किसमें मर्ज हो गए, वो लाइन की, लाइन का ही डिफॉल्ट कलर उसमें आया है, ब्लू कलर आया है। मैं चाहती हूँ मेरा मार्कर क्लियरली विजिबल हो, तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, उसके लिए आप पैरामीटर पास करेंगे मार्कर एच कलर, राइट? तो आप यहाँ पे मार्कर एच कलर को पास करेंगे, ओके, और मैं चाहती हूँ जो मार्कर का एज बन जाए किस कलर से, रेड कलर से बन जाए, सो दैट इट कैन बी क्लियरली विजिबल टू अस, ओके, एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका मार्कर क्लियरली विजिबल है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल की फॉर्म में, ये आपका मार्कर है, ये आपके डेटा पॉइंट्स है, राइट? ये आपको ट्रायंगल की फॉर्म में विजिबल है यहाँ पर, राइट? ओके, ओके, अगर आप अपने फिगर में, ओके, मल्टीपल प्लॉट्स चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस चाहते हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स प्लॉट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू प्लॉट मल्टीपल लाइंस इन वन चार्ट, एक चार्ट के अंदर आप मल्टीपल लाइन ग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उतनी बार ही प्लॉट फंक्शन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट? तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ कैसे। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ओके, एक ग्राफ के अंदर आप टू, एक फिगर के अंदर आप टू लाइन ग्राफ्स को ड्रॉ करोगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी को, ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया इसको। अब सिंपल ले लेते हैं हम एक्स सीक्वेंस, एक्स सीक्वेंस लेट अस सपोज मैं ले लिया 1, 2 एंड 3, दिस इज माय एक्स सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट आपका वाई सीक्वेंस, वाई सीक्वेंस में आपने ले लिया 5, 7, 4, राइट? ओके, नाउ पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। प्लॉट फंक्शन के अंदर आपने सिंपल इसको पास कर दिया एक्स सीक्वेंस को एंड वाई सीक्वेंस को, और इसको, इस जो आपका लाइन है इसको हम लेवल दे देते हैं, इसको हमने लेवल दे दिया है फर्स्ट लाइन, राइट? फर्स्ट लाइन, दिस इज द लेवल, ओके। अब सेकेंड जो आपको ग्राफ बनाना है उसके लिए आप अगेन क्या लोगे, एक्स सीक्वेंस, एक्स सीक्वेंस लेट अस सपोज मैंने एक्स टू वेरिएबल में ले लिया आपका अगेन 1, 2 एंड 3, क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों का सेम होगा, फाइन। यहाँ पे हम क्या डिफरेंट करेंगे, यहाँ पे हम वाई एक्सिस अलग अलग करेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस दोनों का क्या है, सेम है, राइट? और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया 10, 11, 14 लेट अस सपोज, राइट? ओके, नाउ अब सेकेंड ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। सेकेंड ग्राफ को आपने x2 को पास कर दिया, y2 को पास कर दिया, फाइन, एंड इसको हम लेबल दे देते हैं, इस लाइन को हम लेबल दे देते हैं सेकेंड लाइन, ओके। अब आप क्या करना है, आप दे दो लेबल x लेबल, y लेवल एंड टाइटल। तो हम x लेवल दे देते हैं इसको, x लेवल हमने दे दिया x सीक्वेंस, ओके। फॉन्ट साइज इसका देते हैं, फॉन्ट साइज हमने इसका दे दिया 15, राइट? देन पीएलटी डॉट y लेवल, y लेवल में आप दे दो वाई सीक्वेंस, ओके, एंड आप अपना पैरामीटर इसमें पास कर दो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का भी हम दे देते हैं 15, राइट? ओके, नाउ वी विल गिव द टाइटल, टाइटल आपका हो गया पीएलटी डॉट टाइटल, इसमें हम दे देते हैं मल्टीपल प्लॉट्स, राइट?
टाइटल हम देते हैं मल्टीपल प्लॉट्स. ओके राइट. अब देखो आपने लेबल्स दिए, यहाँ पे लेबल्स दिया है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. तो आपके लेबल्स कब आएंगे, जब आप क्या किसका यूज करोगे, लेसन फंक्शन का यूज करोगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, plt डॉट लेसन फंक्शन का यूज करेंगे राइट. plt डॉट लेसन एंड देन plt डॉट शो, जिससे आपका ग्राफ क्या होगा, शो होगा. फाइन, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. नाउ लुक एट द पिक्चर, हमारे पास टू लाइन प्लॉट्स यहाँ पर आ गए हैं. फर्स्ट लाइन आपकी जो फर्स्ट ग्राफ है वो आपका क्या है, ब्लू कलर का है, दिस वन. ओके, एंड सेकंड ग्राफ आपका क्या है, आपका ये सेकंड ग्राफ आपका ऑरेंज कलर का है राइट. बाय डिफॉल्ट ये कलर्स आए हैं. ओके फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मल्टीपल प्लॉट्स को क्रिएट किया है. ओके Now, if you want to display multiple charts in the same window, मतलब एक विंडो के अंदर, एक फिगर के अंदर अगर आप मल्टीपल चार्ट्स को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप सब प्लॉट फंक्शन का यूज करोगे राइट. तो अभी हम इसको करके देखते हैं. यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ दो चार्ट साइड बाय साइड मुझे क्रिएट करना है एक फिगर के अंदर. फाइन, तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग दे देती हूँ. ओके, आई गिव द हेडिंग ड्रॉ टू प्लॉट्स साइड बाय साइड. ओके, मुझे साइड बाय साइड टू प्लॉट्स को क्रिएट करना है विद इन अ वन फिगर, एक फिगर के अंदर. फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे पाई प्लॉट एज plt. ओके ओके, यहाँ पे हमें एरे क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं numpy लाइब्रेरी को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट numpy as np. फाइन ओके. नाउ अब आप क्या करोगे, आप क्रिएट कर रहे हो प्लॉट वन, ये मेरा प्लॉट वन है. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया np डॉट एरे राइट. ओके, तो ये numpy लाइब्रेरी का एरे फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके, और इस फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये एरे हम एज अ सीक्वेंस यूज करेंगे, एज अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस राइट. तो हमने एक्स एक्सिस की सिक्वेंस ले ली है एरे की फॉर्म में. अब हम लेंगे, आप सिंपल भी सीक्वेंस ले सकते हो, अगर आपको एरे नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल भी 0, 1, 2, 3 ले सकते हो राइट. ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया वैल्यूज 3, 8, 1 एंड 10 राइट. फाइन, तो मेरे पास एक्स एक्सिस एक्स सीक्वेंस आ गई है एंड वाई सीक्वेंस आ गई है. तो अब मुझे सब प्लॉट्स क्रिएट करने हैं, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, सब प्लॉट का, सब प्लॉट राइट, plt डॉट सब प्लॉट. ओके, मैंने किया 1, 2 एंड 1. ओके, 1, 2 एंड 1 राइट. अब यहाँ पे देखो, जो मैंने 1 लिखा है, 1 क्या है, नंबर ऑफ रोज, 1 रो 2 कॉलम्स, और जो ये वाला ग्राफ है क्या है, मेरा फर्स्ट ग्राफ है. समझ आया, जो मैंने पैरामीटर्स पास किए, जो फर्स्ट वन है इसका मतलब है क्या, नंबर ऑफ रोज. तो इस जो मेरी फिगर होगी, जो मेरी फिगर आएगी राइट, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 1, लेकिन कॉलम्स क्या होंगे, 2 राइट, कॉलम्स होंगे 2. ओके, और जो ये वाला जो ग्राफ आएगा वो मेरा क्या है, फर्स्ट ग्राफ है, इसके अंदर वो मेरा फर्स्ट ग्राफ बनेगा राइट. नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, plt डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई, आपने पास कर दिया सीक्वेंस को. ओके, नाउ हमारा सेकंड प्लॉट, क्योंकि हम क्या करें, साइड बाय साइड टू प्लॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे ये मेरा सेकंड प्लॉट हो गया. अब सेकंड प्लॉट के भी मुझे क्या लेने हैं, एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस लेने हैं. तो अगेन मैं क्या कर रही हूँ, numpy का एरे फंक्शन यूज कर रही हूँ राइट. एरे फंक्शन में आपने पास कर दिया 0, 1, 2 एंड 3 राइट. एंड आपने नेक्स्ट पास कर दिया.
ओके अब देखो एक्स सीक्वेंस हमने दोनों में सेम लिए, बट डजेंट मैटर, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं क्योंकि प्लॉट्स तो हमारे अलग अलग ही होंगे, राइट right? यहाँ पे मैं ले लिया 10, 20, 30 and 40 इसका वाई सीक्वेंस, फाइन ओके। नाउ आपको अब क्या करना है, सेकेंड प्लॉट को आपको प्लॉट करना है, तो आपने plt.subplot, subplot फंक्शन का हम यूज करेंगे, subplot, subplot में आप पास करोगे 1, 2 and 2, राइट अब यहाँ पे 1, 2, 2 का क्या मीनिंग है, यहाँ पे 1 का मीनिंग है 1 row, राइट ओके 1 row, फाइन, और 2 का मीनिंग क्या है आपका सेकेंड ग्राफ, सॉरी 1 का मीनिंग है आपका 1 row, 2 का मीनिंग है आपका 2 columns, राइट एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम, राइट ओके। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपका फर्स्ट कॉलम ये वाला ग्राफ क्रिएट करेगा, प्लॉट 1 ये आपका फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा ओके और ये वाला आपका आएगा सेकेंड कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे इसका हो गया 1 का मीनिंग 1 row एंड 2 का मीनिंग 2 columns एंड 2 स्टैंड्स फॉर द सेकेंड ग्राफ, राइट ओके। सो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें करना है इसको प्लॉट, तो हम plt.plot फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे x एंड y सीक्वेंस को, फाइन एंड देन यू विल डू plt.show फंक्शन, राइट ओके। नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ लुक एट द फिगर, ये देखो आपका एक फिगर के अंदर क्या आ गया, 2 graphs बन के आ गए, राइट साइड बाय साइड आपके 2 graphs 1 figure के अंदर बन के आ गए ओके। नाउ यहाँ पे अगर आपको अपने ग्राफ को क्या देना है, आपको अपने ग्राफ को टाइटल देना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को टाइटल भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट ग्राफ को टाइटल दे दिया plt.title और टाइटल आप दे दो यहाँ पे सेल्स, सेल्स ये मैंने फर्स्ट ग्राफ को टाइटल दे दिया, राइट अब मैं अपने सेकंड ग्राफ को भी टाइटल देती हूँ plt.title और इसको मैंने टाइटल दे दिया इनकम, राइट ओके। एंड अब मुझे क्या करना है, पूरी अपनी फिगर को देना है, जो मेरी कंप्लीट फिगर है उसको टाइटल देना है, राइट सुपर टाइटल देना है, राइट तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब टाइटल फंक्शन का यूज करना है ओके। तो आप यूज करो plt.sub title ओके एंड यहाँ पे आप टाइटल दे दोगे, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया क्या, आप दे दो इसको my office आपने टाइटल इसको दे दिया, फाइन ओके। तो हमने क्या दिया है, अपने प्लॉट्स को दे दिया है और जो कंप्लीट फिगर है उसको दे दिया है, फाइन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लुक एट दिस, आपके क्या आ गए, यहाँ पे आपके प्लॉट्स के टाइटल्स आ गए, सेल्स आ गए आपका, यहाँ पे इनकम आ गया एंड माय ऑफिस आपका आ गया, राइट तो आपने यहाँ पे अपने प्लॉट्स को भी दे दिया है और आपने कंप्लीट फिगर को भी क्या दिया है, आपने टाइटल दे दिया ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इसी प्लॉट्स को जो हमने साइड बाय साइड क्रिएट किए हैं उसको क्या करते हैं, हम एक के ऊपर एक को, मतलब ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर हम इसको प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग चेंज कर देती हूँ, इसी में चेंजेस कर लेते हैं, सिंपल टू ड्रॉ 2 plots ओके ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट एक दूसरे के ऊपर, फाइन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास एक्स सीक्वेंस है, वाई सीक्वेंस है, राइट हमें सिर्फ सब प्लॉट फंक्शन में चेंज करना है, हमें सब प्लॉट फंक्शन में क्या चेंज करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए नंबर ऑफ रोज 2 ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 ओके और ये मेरा फर्स्ट प्लॉट हो, राइट कैसे, नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे क्या हो 2 हो, नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे 2 हो, यहाँ जहाँ फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट ग्राफ प्लॉट आ जाए, सेकंड रो में आपका सेकंड प्लॉट आ जाए, फाइन और नंबर ऑफ कॉलम आपका क्या है 1 है, फाइन ओके और ये वाला आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट प्लॉट है, फाइन ओके। मैंने सिंपल सा एक चेंज किया यहाँ पर ओके एंड सेकंड में भी हमें सिर्फ क्या करना है, सब प्लॉट फंक्शन में ही चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने सब प्लॉट फंक्शन में इसको फिर से कर दिया नंबर ऑफ रोज 2 ओके, नंबर ऑफ कॉलम आपका हो गया 1 और ये ग्राफ आपका क्या है सेकंड ग्राफ है, फाइन ओके इसको एग्जीक्यूट कर दो। नाउ
लुक एट द पिक्चर. अब आपका क्या हुआ है, आपका एक ये क्या है, एक प्लॉट दूसरे प्लॉट के टॉप पे आ गया है, राइट. ओके, हमने सिर्फ किस में चेंज किया था, हमने सिर्फ ये जो आपके सब प्लॉट के पैरामीटर्स थे, जो सब प्लॉट में आपने वैल्यूज पास की थी, उसको हमने चेंज किया है. फाइन, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करके आपने इसको क्या किया, क्रिएट किया है. फाइन, तो अब यहाँ पे देखो ग्राफ क्या है, ऊपर नीचे आपके ग्राफ्स आ गए हैं. ओके, ऐसे आप मल्टीपल प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हो, राइट. तो मैं मान लो अगर आपको 6 प्लॉट्स यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 6 प्लॉट्स ले लेती हूँ. ओके, और आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 6 प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं. फाइन, तो यहाँ पे देखो मेरा प्लॉट 1 ये है, और इसमें यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखी है. ओके, राइट. फाइन, नाउ अब यहाँ पे जो सब प्लॉट्स की वैल्यू है उसमें मैं चेंज कर देती हूँ. यहाँ पे मुझे चाहिए 2 रोज चाहिए, ओके, एंड 3 कॉलम्स चाहिए. और ये मेरा क्या है, फर्स्ट प्लॉट है. 2 रोज, नाउ लुक एट दिस, 2 रोज 3 कॉलम्स एंड दिस इज माय फर्स्ट प्लॉट, राइट. एक्स वाई, ये मेरा फर्स्ट प्लॉट हो गया, राइट. अब यहां से मैं टाइटल हटा देती हूँ. ओके, और ये मेरा प्लॉट 2 हो गया. प्लॉट 2 में भी आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. फाइन, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और ये आपका सेकेंड ग्राफ हो गया. फाइन, ये आपका क्या हो गया, सेकंड ग्राफ हो गया. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड ये आपका सेकंड ग्राफ हो गया. ऐसे क्या करते हैं, हम इन ग्राफ्स को ही कॉपी कर लेते हैं, इनका ही वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं. देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी. फाइन, और इसको मैंने हेडिंग दे दिए, यहाँ पर हेडिंग दे दो आप इसको, हैश प्लॉट 3. ओके, एंड कंट्रोल वी. पूरा कॉपी नहीं हुआ है, इसको हम पूरा कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. सिंपली आपको यहाँ से डेटा कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी. दिस इज माय थर्ड प्लॉट. ओके ओके, नेक्स्ट आप ले लो प्लॉट 4. ओके, प्लॉट 4 का डेटा हम यहाँ से, अच्छा ये मेरा कौन सा प्लॉट है, थर्ड, तो मैं इसको कर दूंगी थर्ड प्लॉट, राइट. देखो ये मेरा फर्स्ट प्लॉट है, ये मेरा सेकंड प्लॉट है. ओके, ये मेरा थर्ड प्लॉट है, और सब में हमने क्या दिया है, कॉमन दिया है 3 रोज, ओके, एंड 2 कॉलम्स. नो, हमने यहाँ पे दिया है 2 रोज ले लेंगे एंड 3 कॉलम्स ले लेंगे, 2 रोज ले लेंगे एंड 3 कॉलम्स ले लेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड हेयर ऑल्सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और ये मेरा प्लॉट क्या है, 3. फाइन, ओके. नाउ मेरे को आपका फोर्थ प्लॉट चाहिए, इसका डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ. ओके, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है. तो यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स, और ये मेरा प्लॉट कौन सा है, 4. फाइन, ये मेरा प्लॉट है 4. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे प्लॉट 5 अपना, प्लॉट 5, राइट. और कोई भी आप इसमें डेटा ले लो, कोई भी प्लॉट हम ले लेते हैं. लेट सपोज हमने ले लिया ये वाला प्लॉट 2. ओके, कंट्रोल वी, ठीक है. और ये हमारा प्लॉट कौन सा है, ये हमारा 5 है, प्लॉट 5 है. ओके, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के अंदर ये आपका प्लॉट 5 है. ओके, एंड लास्ट हमारा क्या है, प्लॉट सिक्स, राइट. प्लॉट 6 का डेटा आप यहाँ से ले लो, प्लॉट 6 हमारा ये बन जाएगा. लेट सपोज ये हमारा प्लॉट 6 बन जाएगा. ओके, कंट्रोल वी. तो हम सेम फिगर के अंदर बना रहे हैं अपने प्लॉट्स, ये हमारा प्लॉट 6 हो गया. फाइन, तो हमने यहाँ पे 6 प्लॉट्स ले लिए हैं. फाइन, अब यहां से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. ये आपका देखो 2 रोज आपकी कैसी बनेंगी, आपके 2 रोज बनेंगी, राइट, लाइक दिस, एंड आपके 3 कॉलम्स बनेंगे, राइट, 3 कॉलम्स. और इसके अंदर आपके क्या बनेंगे, 6 प्लॉट्स बनेंगे. फाइन, ये आपके 6 प्लॉट्स यहाँ पर क्रिएट होंगे. ओके, यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, लाइक दिस. ओके,
अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट को कर देते हैं प्रेस। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आया है, एक फिगर के अंदर आपने 6 प्लॉट्स को क्रिएट किया है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट, आपके 6 प्लॉट्स आ गए हैं वन फिगर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लाइन ग्राफ को कंप्लीट किया है। ओके, सो व्हाट इज बार चार्ट? अ बार चार्ट इज अ चार्ट दैट प्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा। बार चार्ट कौन सा चार्ट होता है जो डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करके प्रेजेंट करता है विद रेक्टेंगुलर बार्स। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल बार्स की फॉर्म में, राइट, विद हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे प्रेजेंट। और जो बार्स की हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो वैल्यू वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट। पाइपलॉट ऑफर्स बार फंक्शन टू क्रिएट अ बार चार्ट। तो पाइपलॉट मॉड्यूल बार फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है बार चार्ट क्रिएट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे, राइट, यहाँ पे क्या है, ये जो पिक्चर है वो किसकी है, फेवरेट स्पोर्ट्स की है। तो यहाँ पे कैटेगरीज है लाइक सॉसर, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, बेसबॉल। ओके, एंड वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने लोगों का फेवरेट है सॉसर, कितने लोगों का फेवरेट है बास्केटबॉल, राइट, कितने लोगों का फेवरेट स्पोर्ट है टेनिस, राइट। तो दिस इज गिवन हियर, राइट। तो यहाँ पे बार चार्ट की हेल्प से आप क्या डिफाइन कर रहे हो, आप कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो डेटा की, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली बार चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो आपने क्या किया, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी। तो आपने सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है, राइट। ओके, यहां से हम क्या करते हैं इसका, ओके करेक्ट है, इंडेंटेशन में मैं इसका साइज देख रही थी। ओके, अब क्या करना है, बार चार्ट में आपको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लेट अस सपोज हम ले लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ले लिए हैं, पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज, ओके, देन आपने ले लिया आपकी सी, राइट, नेक्स्ट लैंग्वेज आपने ले ली सी प्लस प्लस, ओके, एंड देन आपने ले ली जावा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फोर लैंग्वेजेस ले लिए हैं, फाइन। और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, हम नंबर ऑफ पीपल ले लेते हैं कि कौन, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि किसने ऑप्ट किया है कौन सी लैंग्वेज को, राइट। तो मान लो आपने 85 स्टूडेंट ने लिया है पाइथन को और 70 स्टूडेंट्स ने लिया है सी को, ओके, एंड 60 स्टूडेंट्स ने लिया है सी प्लस प्लस को एंड 80 स्टूडेंट्स ने लिया है जावा को, राइट। ओके, अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें करना है पाई प्लॉट के बार फंक्शन का यूज, राइट। तो यहाँ पे पूरा मैंने मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट ना लिख के पीएलटी डॉट बार का यूज किया है, पीएलटी डॉट बार। और बार फंक्शन में आप क्या पास करोगे, आप एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस को पास करोगे, राइट, जो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कराना चाहते हो और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कराना चाहते हो, फाइन। और फिर यहाँ पे आपने दे दिया पीएलटी डॉट शो, ओके, इससे क्या होगा, इससे आपका बार ग्राफ शो होगा, फाइन। नाउ इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, नाउ सी आपका बार ग्राफ आ गया है। ओके, एक्स एक्सिस पे आप देखोगे, एक्स एक्सिस पे आपके क्या आए हैं, आपके लेबल्स आ गए हैं जो आपने दिए पाइथन सी प्लस प्लस जावा, राइट, और वाई एक्सिस पे आपकी क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, राइट, मतलब जिन्होंने ऑप्ट किया है, राइट। ओके ओके, अब हम क्या देंगे, अब हम देते हैं इसके अंदर एक्स लेबल देते हैं, राइट, ओके। तो हम अगर आपको एक्स एक्सिस पे क्या देना है, लेबल देना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप उसके लिए यूज करोगे पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एल ए बी ई एल लेबल, ओके। और जो भी आप इसके अंदर देना चाहते हो, आप जो भी लेबल देना चाहते हो आप लिख दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेजेस, ओके। और वाई एक्सिस पे आप कौन सा लेबल देना चाहते हो, तो वाई एक्सिस के लिए पीएलटी डॉट क्या दोगे, वाई लेबल, अवेलेबल। और मैं इसमें लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने बच्चों ने इसको लिया है, मतलब कितने बच्चों ने किस लैंग्वेज को ऑप्ट किया है, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। ओके, अब हमने ले लिया है एक्स लेबल और वाई लेबल, अब हम क्या करते हैं इसको टाइटल दे देते हैं, इसको हम टाइटल भी दे देते हैं पीएलटी डॉट टाइटल, अपने बार ग्राफ को हम टाइटल दे देते हैं। तो इसको सिंपल हम बार प्लॉट ही दे देते हैं टाइटल, तो यहाँ पे मैंने दे दिया बार एंड बार प्लॉट, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपने एक्स लेवल दिया, वाई लेवल दिया एंड टाइटल दिया, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, राइट। नाउ लुक एट दिस,
अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स लेवल आ चुका है आपका लैंग्वेजेस एक्स एक्सिस पे, ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका आ गया वाई एक्सिस पे, और आपका बार प्लॉट क्या आ गया, टाइटल आ गया, फाइन आ गया राइट। अब देखो अगर आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, फाइन आपने क्या, आप क्या चाहते हो, जो आया आपका एक्स लेवल वाई लेवल और जो आपकी आपका जो टाइटल आया है आप उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक और यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे, ठीक है एक्स लेवल के अंदर, वो कौन सा है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मान लो मैं इसका दे देती हूँ 15, ओके फॉन्ट साइज आपने क्या दे दिया 15, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल सी, और सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ कंट्रोल वी, एंड सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ कंट्रोल वी, फाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट और पास किया है एक्स लेवल वाई लेवल और टाइटल में, अब हम क्या करेंगे इसको एग्जीक्यूट। अब नाउ लुक एट दिस, अब आप देखोगे जो हमारा प्रीवियस साइज था उससे ये साइज क्या हो चुका है, बिग हो चुका है आपका राइट right? जो आपका एक्स लेवल वाई लेवल और आपका टाइटल है उसका साइज अब क्या हो चुका है, बिग हो चुका है, ओके नाउ अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है यहाँ पर कि बार चार्ट में जो कलर है ओके वो डिफॉल्ट कलर क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है ओके, एंड इसकी डिफॉल्ट विथ जो आ रही है वो क्या आ रही है, 0.8 यूनिट्स राइट। जो इसकी डिफॉल्ट विथ होती है वो कितनी होती है, 0.8 यूनिट्स, और इसका डिफॉल्ट कलर क्या है आपका, ब्लू कलर है राइट right? तो अब आप क्या करोगे, अगर आप इसकी विथ चेंज करना चाहते हो राइट right? तो आप क्या करोगे, एक इसके अंदर पैरामीटर पास करोगे बार फंक्शन में, ओके बार फंक्शन में आप एक पैरामीटर पास करोगे विथ का, ओके एंड वहां से आप क्या कर सकते हो, विथ चेंज कर सकते हो राइट ओके तो मैं यहाँ पे मान लो इसकी विथ कर देती हूँ 0. अभी डिफॉल्ट कितनी होती है, 0.8 यूनिट्स होती है राइट तो मैं इसको कर देती हूँ 0.5 यूनिट्स, ओके एंड कलर इसका ब्लू से हटा के, कलर एट्रीब्यूट पास करेंगे हम, कलर हमने इसका ब्लू से हटा के क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया लेट अस सपोज रेड कर दिया, ओके नाउ एग्जीक्यूट दिस सी। अब इसकी विथ क्या है, इसकी विथ डिक्रीज हो गई है ओके पहले इसकी डिफॉल्ट विथ थी, डिफॉल्ट विथ कितनी थी 0.8 यूनिट्स, अब इसकी कितनी हो गई है 0.5 यूनिट, और कलर पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लू कलर होता है, अब रेड आ गया है फाइन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जितने भी बार्स हैं ओके उनकी विथ अलग अलग हो ओके और जितने भी उनके कलर्स भी अलग अलग हो राइट तो यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू ना दे के क्या दोगे, आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज दोगे लाइक दिस, मैंने यहाँ पे दे दिया 0.1 फर्स्ट बार की एंड 0.2 सेकंड बार, 0.3 थर्ड बार एंड 0.4 ठीक है। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे कलर में भी डिफाइन कर दिया, मैंने सीक्वेंस में यहाँ पे कलर दिया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अब हम सीक्वेंस में कलर दे देंगे एज अ लिस्ट। फर्स्ट का मैंने दे दिया रेड ओके, सेकंड का मैंने दे दिया आपका ग्रीन ओके, और देन मैंने दे दिया येलो एंड देन मैंने दे दिया मैजेंटा फाइन ओके। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, देखो विथ आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई है आपकी पाइथन की जो बार थी उसकी हो गई 0.1 यूनिट ओके, सी की आपकी हो क्या हो गई 0.2 यूनिट, एंड आपकी सी प्लस प्लस की हो गई है 0.3 यूनिट राइट, जावा की आपकी होगी 0.4। ऐसे ही आपने कलर चेंज किया है, सबके डिफरेंट कलर दिए हैं, पाइथन का आपका रेड कलर है, देन आपका ग्रीन कलर है सी का, देन येलो है आपका सी प्लस प्लस का, एंड मैजेंटा है आपका जावा का ओके। अब क्या करना है आपको, आपके जो बार्स हैं ओके उनका आपको क्या देना है, एच कलर देना है राइट। बार्स को आपने क्या देना है, एच कलर देना है। तो हम बार फंक्शन में एक पैरामीटर और पास करेंगे, यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे, आप पास करोगे एच कलर, ई डी जी ई एच ओके सी ओ एल ओ आर कलर राइट। और मान लो मैं दे देती हूँ ब्लू कलर, एच कलर आपने क्या दे दिया, ब्लू कलर दे दिया है राइट। अब आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे फाइन। तो यहाँ पे आई थिंक ये विजिबल होगा आपको कि इसकी आउटलाइनिंग आ गई, जो बार्स है उनकी आउटलाइनिंग आ गई है, किस कलर में आ गई है, ब्लू कलर में आ गई है फाइन। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एच को कलर दिया है, बार्स की एच को आपने क्या दिया है, कलर दिया। अगर आपको इस एज की क्या करनी है, विथ इंक्रीज करनी है
राइट, एज की विथ, राइट। तो आप कौन सा पैरामीटर दोगे, आप दोगे लाइन विथ, लाइन विथ, ठीक है, बार फंक्शन के अंदर लाइन विथ इक्वल्स टू, जैसे मैंने लाइन विथ दे दी, मान लो मैंने दे दी फाइव, ओके, लाइन विथ दे दी आप मैंने फाइव। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखो ये इंक्रीज होगी, जो इसकी एज थी वो क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गई है, राइट, वो अब फाइव हो गई है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे उसको इंक्रीज कर दिया है लाइन विथ को। अब अगर क्या करना चाहते हो आप, जो आपका एज है, ठीक है, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, तो आप एक पैरामीटर क्या दोगे, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल। और लाइन स्टाइल में आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्टाइल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कॉलन, कॉलन दे दो या डबल डैश दे दो, राइट, मैंने कॉलन दे दिया, आप इसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका एच का क्या होगा, देखो एच का स्टाइल चेंज हो गया है, फाइन, आपका एच का स्टाइल क्या हो गया है, चेंज, ओके। चलो अब मैं क्या करती हूँ, इसकी विथ को सिंगल स्केलर वैल्यू दे देती हूँ, मैं इसकी विथ को सिंगल स्केलर वैल्यू दे देती हूँ 0.5 दे दिया, कलर कलर यही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आपको दिखा रही हूँ, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो, राइट। तो उसमें कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे, आप पास करोगे अल्फा पैरामीटर, राइट। अल्फा पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 होती है, राइट। तो आप 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया 0.5, लेट अस सपोज मैंने दे दिया 0.5 अल्फा की वैल्यू, एंड देन एग्जीक्यूट दिस। तो देखो आपका चार्ट क्या है, ब्लर हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा और कर देती हूँ, जैसे मैंने 3 कर दिया, अगेन एग्जीक्यूट दिस, राइट, और ब्लर हो गया। तो आप इसमें 0 to 1 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं, राइट। इससे क्या है, आपका चार्ट क्या हो गया है, ब्लर हो गया है, फाइन। तो अब हमने सारे एट्रीब्यूट्स कर लिए, अब देखो यहाँ पे आपका सिंपल बायोग्राफ है। अगर आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप हॉरिजॉन्टल बायोग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप बार फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन यूज करोगे, आप बार एच फंक्शन का यूज करोगे, राइट, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे एक्स एक्सिस वाई बन जाएगा और वाई एक्सिस एक्स बन जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल बायोग्राफ बन गया है, एक्स एक्सिस कहाँ चला गया, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस आपका कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस पर, राइट, हॉरिजॉन्टल बायोग्राफ से, राइट। तो मुझे अब क्या चाहिए, मल्टीपल बायोग्राफ के लिए, ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल बायोग्राफ, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया है, ये सिंगल बायोग्राफ है, राइट, ओके। मल्टीपल बायोग्राफ्स अगर आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं, ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो मेरे पास था एक्स सीक्वेंस वाई सीक्वेंस, ओके, तो एक सीक्वेंस और हम लेते हैं, हम लेते हैं जी, ओके, और इसमें भी मैं कर लेती हूँ, वैल्यूज दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है, फाइन, इसमें मैंने वैल्यूज दे दिए, राइट। अब एक बायोग्राफ, जो एक बायोग्राफ है वो किसको प्लॉट करेगा, एक्स इन वाई को प्लॉट करेगा, और एक करेगा एक्स इन जी को प्लॉट, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, इसका कलर दे देते हैं हम लोग, कलर इसका दे देते हैं रेड, फाइन, ओके, एंड इसका लेबल दे देते हैं, इसका लेबल दे देते हैं नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ये लैंग्वेज नंबर ऑफ बॉयज को पसंद है, मतलब इतने बच्चों ने, इतने बॉयज ने इसको ऑप्ट किया है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज दे देते हैं इसको हम लेबल, एंड एक सीक्वेंस हम और इसमें प्लॉट करेंगे, मल्टीपल बायोग्राफ बना रहे ना, तो यहाँ पे हमने दे दिया एक्स एंड जी, ओके, एंड इसका कलर हमने दे दिया है, इसका कलर हमने दे दिया है येलो, ले लो येलो, ओके, एंड इसका लेबल ले लो आप नंबर ऑफ गर्ल्स, कि इतने गर्ल्स ने ये वाली लैंग्वेज ऑप्ट की है, राइट। अब लेबल दिया है तो आप क्या करोगे, लेजेंड फंक्शन लोगे यहां पर, ठीक है, लेजेंड को शो करने के लिए, लेजेंड, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीपल बायोग्राफ अभी हम बना रहे हैं, राइट, ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लुक एट दिस, अभी यहाँ पे क्या है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ग्राफ क्या है, यहाँ पे जो रेड कलर है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया है, पाइथन को, सी को, सी प्लस प्लस को, और येलो वाला क्या दिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स के कितने गर्ल्स ने इसको ऑप्ट किया है, ओके, लेकिन ये क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, राइट,
और मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्राफ चाहिए साइड बाय साइड, राइट, जो बार्स बने वो साइड बाय साइड बने, ओवरलैप ना करें, फाइन। उसके लिए अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे नमपाई लाइब्रेरी को, इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी, राइट, मैंने एनपी नेम दे दिया है, ओके। और हम क्या करेंगे, यूज यहाँ पे नमपाई लाइब्रेरी के लिन स्पेस फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स क्या करेंगे, फाइंड आउट, ठीक है। एनपी डॉट लिन स्पेस, लिन स्पेस, राइट, लिन स्पेस फंक्शन दिया है, इसमें मैंने कर दिया 1 से लेकर 51 तक की रेंज में ये 4 पॉइंट्स क्रिएट कर दे एक्स एक्सिस पर, राइट, 4 पॉइंट्स ये क्रिएट कर देगा एक्स एक्सिस पर। अब देखो, अब बार में आपको क्या करना है, अब आपको एक्स की जगह क्या लेना है, एन लेना है, ठीक है, क्योंकि एक्स पे ये क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट्स क्रिएट करेगा उसके ऊपर हमें अपनी बार्स क्रिएट करनी है, ठीक है। तो और इसमें अब ले लो आप विथ, क्योंकि विथ भी डिसाइड करनी पड़ेगी, लेट अस सपोज विथ है आपकी फर्स्ट बार की 3, ओके, फर्स्ट बार की आपकी 3 है, एंड पॉइंट के ऊपर जो आपने फर्स्ट बार बनाई है उसकी विथ क्या है 3, ठीक है। एंड ये क्या है, नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स है, ओके, जो लिन स्पेस फंक्शन से क्रिएट होंगे, 4 पॉइंट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पॉइंट पर आपका जो फर्स्ट बार है उसकी विथ है 3, फाइन। अब सेकेंड जो है, ठीक है, वो कितना स्पेस लेगी, n प्लस 3, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका 3 यूनिट है वो ले चुका है एक बार, तो नेक्स्ट जो बार है वो किस पे आएगा, n प्लस 3, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आपने फर्स्ट में आपने y था और ये z है आपका, ठीक है, पहले आपने क्या लिया था, x y एंड x z लिया था, अब आपने x की जगह क्या लिया है, n y एंड n प्लस 3 एंड z, ओके, फाइन। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पे देखो आपकी बार्स आ गई हैं, बार्स आ गई हैं, ठीक है, ओवरलैप नहीं है ये बार्स, ओके, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका जो पहले क्या आ रहा था, नेम्स आ रहे थे लैंग्वेजेस के, वो नेम्स अब नहीं आ रहे हैं, फाइन, बार्स तो आ गई है, राइट, ओके, एंड साइड बाय साइड आ गई है, बट अभी नेम्स नहीं आ रहा है, फाइन, तो वो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे xtext फंक्शन का, ठीक है, तो plt डॉट xtext, ठीक है, xtext क्या होता है, x लेवल पे जो ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं, आई विल शो यू, ठीक है, इनको टिक्स कहा जाता है, ये जो पॉइंट बना हुआ है 0 पे, आपका 10 पे, जो ये लाइन बनी हुई है इसको टिक्स कहा जाता है, राइट। तो आप क्या चाहते हो, आपके एक तो नेम्स आ जाए, राइट, ओके, तो आपने क्या करना है, xtext फंक्शन में आपको पास क्या करना है, आपको पास करना है पहले तो लोकेशन, ठीक है, किस लोकेशन पे आप नेम्स को चाहते हो। तो अभी आपके पॉइंट्स क्या है, n पॉइंट्स है, ठीक है, प्लस आपने क्या कर दिया विथ, जो विथ ऑक्यूपाई हो रही कंप्लीट, और देन आप क्या पास करोगे, इसके बाद आपने पास कर दिया कौन से लेबल्स आपको चाहिए, ठीक है, कौन से इन टिक्स पर आपको कौन से लेबल चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको, मैं को ये लेबल्स चाहिए, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया सिंपल, एंड आई विल पेस्ट देम हियर, ठीक है, ओके। अब नाउ इसको क्या करेंगे आप, ये देखो एरर आ गई, एरर क्यों आ गई, क्योंकि आपने विथ को डिफाइन नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे विथ को डिफाइन भी करना है, विथ हमारी क्या है 3 है, ठीक है, अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करो आप, राइट, अब नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आ गया है लेकिन मिड में नहीं आ रहा, राइट, मिड में नहीं आ रहा है आपका, फाइन। तो आपको क्या करना है, मैं चाहती हूँ ये जो मेरा पाइथन है वो मिड पे आए, फाइन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको मिड में लाने के लिए आप क्या करोगे, n प्लस विथ को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, फाइन, जिससे वो मिड में आए, एंड देन यू विल एग्जीक्यूट दिस। अब देखो आपका मिड पॉइंट पे आ रहा है, आपका जो ये आ रहा है ये पाइथन C++ जावा ये कहाँ आ रहा है, मिड पॉइंट पे आ रहा है, फाइन। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, मल्टीपल बार ग्राफ्स, राइट। नाउ वी कैन क्रिएट हिस्टोग्राम यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑफ पाइथन।
A histogram provides visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values. So histogram क्या है? Graph है जो numerical data को graph की form में show करता है, right? और ये data को कैसे show करता है? ये data को show करता है in the form of range, right? और range को हम क्या कहते हैं? Bins. It is similar to a vertical bar graph. किसकी तरह है histogram? Bar graph की तरह है. However, a histogram, unlike a vertical bar graph, shows no gaps between the bars. लेकिन bar graph में क्या होता है? Bars के बीच में gap होता है. Histogram में bars के बीच में gap नहीं होता है. Right? Continuous bars होते हैं. Right? It is like a bar graph with the x-axis representing bin ranges. यहाँ पे histogram में x-axis पे क्या represent होता है? यहाँ पे range represent होती है. Like 60 to 65 range होगी, 65 to 70 range होगी. और इस range को क्या कहा जाता है? Interval कहा जाता है या bins कहा जाता है? Okay? And y-axis representing frequency. और y-axis क्या दिखाती है? Frequency of data, right? कि आपका data एक particular time period में कितने times occur करता है, कितनी बार repeat होता है, right? Histograms are a great way to show results of continuous data. Histogram की help से आप continuous data को show कर सकते हैं, like weight, height, etc. range की form में, okay? But when the data is in categories such as country or subject, etc., one should use a bar graph. लेकिन अगर आपको groups show करने हैं, categories show करनी है, तो आप क्या use करोगे? Bar graph का use करोगे, okay? Now, how you will create histogram? Creating histogram using hist function. अब किसका use करके आप histogram का use करते हो? आप matplotlib library के pyplot module के hist function. Matplotlib library का module क्या है? Pyplot module है. और उस module के अंदर कौन सा function है? Hist function, जिसकी help से आप histogram को create करते हो, right? Function plots a histogram. It computes and draws the histogram of x. किसका ये histogram create करेगा? X. तो x क्या है? हमारा data है जिसका ये क्या करेगा? Histogram create करेगा, right? और यहाँ पे लिखा है where x is an array of values or sequence of array, right? इसको हम practically करते हैं, right? तो मैं क्या करती हूँ? First यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? Data चाहिए. तो data के लिए मैं क्या कर रही हूँ? मैं data यहाँ पे create कर रही हूँ, okay? राइट, मैंने किया इंपोर्ट matplotlib डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी. राइट, मैंने क्या ले लिया? इसका एलियास नेम ले लिया है. राइट, यहाँ पे मैं डेटा को जनरेट कर रही हूँ, सो डेट वी कैन यूज दैट डेटा. हम उस डेटा को यूज कर सकें क्या बनाने के लिए? अपना हिस्टोग्राम बनाने के लिए. राइट, और मैं क्या करूंगी? रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगी. फाइन, तो यहां पे हम ले लेंगे एनपी डॉट रैंडम डॉट रेंट इंट. ओके, रैंडम मॉड्यूल का रेंट इंट फंक्शन हम ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं ले लेती हूँ मुझे चाहिए 10 से लेकर 70 तक इंटीजर वैल्यूज. राइट, और कितनी वैल्यूज चाहिए मुझे? 50 चाहिए. ओके, 50 वैल्यूज. फाइन, देन आप उन वैल्यूज को प्रिंट करा दो. ओके, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी. ओके, नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज. वैल्यूज मिल गई हमें, रैंडम नंबर्स मिल गए हैं. कहाँ से? 10 to 70, 50 रैंडम नंबर्स हमें मिल गया. ये तो हमारा डेटा हमको मिल गया है, अब हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, इम्पोर्ट, ठीक है, matplotlib ले लेते अपनी, matplotlib डॉट pyplot as plt. फाइन, और फिर आप उसमें ले लेंगे हम डेटा ले लेते हैं हम. अब डेटा हम कहाँ करेंगे? कहाँ से? यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो हमने यहाँ से डेटा हमारा आया है उसको हम कॉपी कर लेंगे. कंट्रोल वी. अब इस डेटा को क्या करना है? इस डेटा को हमें कोमा से सेपरेट करना है, क्योंकि कोमा सेपरेटेड डेटा नहीं है, तो हम इसे कोमा से सेपरेट करेंगे. ओके, तो हमने क्या किया? कोमा से सेपरेट कर लिया अपने डेटा को. राइट, नाउ पीएलटी डॉट हिस्ट, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे और इस फंक्शन में अपने डेटा को पास कर देंगे. राइट, अपने डेटा को पास कर दिया. ओके, अब हम क्या करेंगे? पीएलटी डॉट टाइटल, अपने ग्राफ को टाइटल दे देते हैं हम लोग, हिस्टो
ग्राम दे देती हूँ मैं इसको टाइटल, राइट ओके। पीएलटी, पीएलटी क्या है, एलियास नेम है matplotlib.pyplot का, ओके तो हमने यहाँ पे हिस्ट फंक्शन का यूज किया, टाइटल फंक्शन का यूज किया, अब हम एक्स लेबल पे दे देते हैं, एक्स लेबल पे दे देते हैं नेम, मतलब एक्स लेबल दे देते हैं, एक्स लेबल पे हम क्या ले रहे हैं, बिन्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिन्स ले लेते हैं, बिन्स इंटरवल्स ओके एंड plt.ylabel, ylabel पे आप ले लो डेटा, डेटा राइट। नेक्स्ट आप क्या करोगे, शो फंक्शन का यूज करोगे टू शो योर ग्राफ, राइट। नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो ये हमारा ग्राफ आ गया, राइट ग्राफ आ गया है, इसका ग्राफ की हेडिंग आपकी क्या है, हिस्टोग्राम ओके, और एक्स एक्सिस पे आपके बिन्स हैं एंड आपका डेटा है ओके, वाई एक्सिस पे आपका डेटा है, राइट। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट और पैरामीटर्स देते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपका जो कलर आया है हिस्टोग्राम का वो ब्लू है, राइट। अब मैं चाहती हूँ इसका कुछ डिफरेंट कलर आए, तो मैं क्या करूंगी, कलर पैरामीटर को इसमें पास करूंगी, राइट मैंने यहाँ पे कलर पैरामीटर पास कर दिया, कलर इक्वल्स टू आप कोई सा भी कलर दे दो, यहाँ पे मैंने दे दिया रेड, राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, नो लुक एट द ग्राफ, कलर चेंज हो गया, राइट अब कलर क्या आ गया है, रेड कलर ओके। आप ग्रीन कलर देना चाहते हो, ग्रीन कलर दे दो, राइट कोई भी कलर आप दे सकते हो, चेंज कर सकते हो कलर पैरामीटर को यूज करके। एग्जीक्यूट किया, आपका आ गया ग्रीन कलर, लुक एट दिस ग्रीन कलर ओके। नेक्स्ट पैरामीटर मैं दूंगी एच कलर, मुझे बार्स का क्या चाहिए, एच कलर भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगी एच कलर, कलर अभी मेरा बार क्या है ग्रीन कलर में, तो मैं इसका एच का कलर दे देती हूँ रेड ओके। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, लुक एट दिस, देखो एच का कलर आ गया है ओके, एच का कलर क्या आ गया है आपका रेड कलर आ गया है, फाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिफॉल्ट बिन्स बने हुए हैं ओके ओके, बट मैं क्या चाहती हूँ मैं खुद से बिन्स दूँ, राइट खुद से बिन्स दूँ, बिन्स से क्या होगा, मैं जो मेरी जो रेंजेस है वो पर्टिकुलर जो डेटा है वो पर्टिकुलर रेंज में फॉल करेगा, यहाँ पे भी डिफॉल्ट बिन्स बने हुए हैं, राइट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव द बिन्स हेयर, तो बिन्स देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक पैरामीटर, मैं ले लेती हूँ मतलब नॉट पैरामीटर, एक मैं ले लेती हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर मैं बिन्स को डिफाइन कर देती हूँ कि मेरे बिन्स कहाँ कौन कितने हो, 10, 20 हो, 30 हो, 40, 50, 60 एंड 70, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है, फाइन ओके, और आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 69 तक जा रही है, तो मैंने यहाँ पे 70 तक बिन्स ले लिए हैं, और मैं क्या करूँगी यहाँ पे बिन्स पैरामीटर को पास कर दूंगी बिन्स इक्वल टू एल, जो मैंने लिस्ट यहाँ पे ली है, फाइन। और आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, नो अब देखो आपने जो बिन्स दिए थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसके अंदर आपका जो डेटा है वो अब इसके अंदर इनक्लोज है, 10 टू 20 आपका कितने जो भी वैल्यूज आई हैं, मतलब 8 वैल्यूज आई हैं, 20 टू 30 भी आपकी 8 वैल्यूज आई हैं, फाइन 30 टू 40 आपकी 10 से अबव वैल्यू आई है, 40 टू 50 आपकी 8 से बिलो वैल्यू आई है, नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट नंबर ऑफ वैल्यूज की यहाँ पे बात हो रही है ओके। तो आपने बिन्स पैरामीटर पास करके क्या किया है, बिन्स को डिफाइन किया है कि अपने खुद के बिन्स यहाँ पे बनाए हैं ओके। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव, ठीक है इसको हम लेंगे सी यू एम यू एल ए टी आई वी ई, कम्युलेटिव, राइट तो इसका क्या यूज है, अगर कॉम्युलेटिव की वैल्यू आप ट्रू करते हो तो क्या होगा, ईच बिन गिव द काउंट इन दैट बिन, जो बिन होता है वो अपना जितना भी काउंट होगा, जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उसमें होगी वो, प्लस ऑल बिन्स ऑफ स्मॉलर वैल्यूज, तो एक बिन क्या शो करेगा, अपने खुद की वैल्यूज को शो करेगा और जो उससे छोटे बिन्स है उनकी वैल्यूज को भी एड करके शो करेगा, राइट ओके। और जो लास्ट वाला बिन है वो जितने भी बिन्स हैं उन सब की वैल्यूज को ऐड करने के बाद उन सब की वैल्यूज का सम शो करेगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, कम्युलेटिव की होती है फॉल्स, अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा, जितने भी बिन्स हैं
राइट, वो क्या करेंगे अपने से छोटे बिन्स की वैल्यू को ऐड करके शो करेंगे। फाइन, अब मैंने ट्रू कर दिया है, हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे देखो 10 टू 20 इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज थी, 10 से बिलो थी, तो 20 टू 30 ने क्या किया अपनी वैल्यूज को और प्लस इसकी वैल्यूज को ऐड करके शो किया है। ऐसे ही 30 ने क्या किया है, जो 30 टू 40 की जो बिन थी उसने किसकी वैल्यूज को ऐड किया है, 10 टू 20 वाली रेंज की वैल्यूज को और 20 टू 30 वाली वैल्यूज को अपनी वैल्यूज के साथ ऐड करके। तो देखो ये क्या है, बार्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट, क्योंकि ये अपने से छोटे बिन्स की वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं। ओके, और जो लास्ट वाला बार है वो क्या कर रहा है, टोटल ऑल ओवर जितनी भी वैल्यूज है उन सबके नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करके वो शो कर रहा है। ओके, और अगर हम कम्युलेटिव की वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस वन कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, माइनस वन कर देंगे तो इट विल रिवर्स द हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम्स को, हिस्टोग्राम जो आपका ग्राफ आया उसको रिवर्स कर देगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रिवर्स हो गया हिस्टोग्राम, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कम्युलेटिव की वैल्यू क्या कर दी है, माइनस वन। ओके, अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो आपका एक्सिस है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है बॉटम पैरामीटर, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सिस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, इसको हटा दिया हमने और पैरामीटर ले लिया अपना बॉटम, और यहाँ पे इसमें जीरो की, जीरो से स्टार्ट हुआ है, मैंने कर दिया 10, राइट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो क्या है, आपका 10 से स्टार्ट हुआ है। ओके, 10 से स्टार्ट हुआ है, पहले किससे स्टार्ट था, जीरो से, बॉटम पैरामीटर से क्या हो गया, अब ये 10 से स्टार्ट हुआ है। फाइन, ओके, इसको हम हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका ओरिएंटेशन, राइट। ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्टिकल ओरिएंटेशन है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, राइट। ओरिएंटेशन मैंने दे दिया है हॉरिजॉन्टल, तो आपका जो ग्राफ है, अब लुक एट दिस, आपका जो ग्राफ है वो क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो गया। फाइन, तो ओरिएंटेशन की दो वैल्यूज होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो आप कोई भी, मतलब बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकल ही होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल करना हो तो आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो बाय यूजिंग द ओरिएंटेशन। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, वर्टिकली कर देते हैं, वर्टिकल, राइट। इसके साथ एक पैरामीटर क्या है हमारे पास, हिस्ट टाइप। हिस्ट टाइप पैरामीटर का क्या यूज है, इससे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हिस्टोग्राम को दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया हिस्ट टाइप, ओके, और मैंने दे दिया इसको स्टेप की फॉर्म में, ओके, सिंपल स्टेप की फॉर्म में। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो, ये देखो आपका ग्राफ किस फॉर्म में आ गया है, स्टेप की फॉर्म में आ गया है, राइट। अगर मैं इसको कर दूं स्टेप फिल्ड, तो क्या होगा, ये फिल्ड भी हो जाएगा। सी, इसमें कलर फिल हो गया है, राइट। ओके, तो ये क्या है आपका, स्टेप फिल्ड, राइट। आप दे सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बार, बार की फॉर्म में हो सकता है, आप बार स्टैक्ड भी दे सकते हो, बार, बार स्टैक्ड। See, ये आपकी बार्स की फॉर्म में आ गया, बार्स टैग्ड, राइट, बार्स की फॉर्म में और फिल्ड, फिल्ड विद द कलर, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो जो आपके इंटरवल्स हैं 10 टू 20, ओके, एक पर्टिकुलर बार ने इस पर्टिकुलर इंटरवल को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई किया है, राइट। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी बार है वो पूरे इंटरवल को कवर ना करे, तो आप कौन से पैरामीटर का यूज करोगे, आप रिलेटिव विथ का यूज करोगे। फाइन, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे करोगे। हमने यहाँ पे कर दिया, एक पैरामीटर ले लिया आर विथ, आर विथ, राइट, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 0.8, राइट। तो 0.8 का मतलब क्या है, 80% ये विथ कवर करे, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल की होती है वो 100% विथ होती है, राइट। जो बार कवर कर रहा है वो 100% विथ है, तो 0.8 का यहाँ पे हो गया रिलेटिव विथ हो गया। रिलेटिव विथ मीन्स ये इस 100% की, जो 100% विथ है उसकी 80% विथ को कवर करे। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे, नाउ देखो
आप इसको आप देख सकते हो, पहले ये 10 to 20 ऑक्यूपाई कर रहा था, अब तो यहाँ पे लगा लो यहाँ पे 10% इसने यहाँ पे छोड़ दिया, 10% यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम विथ इसने कवर किया 100% की, वो क्या है 80%। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर आपका क्या है, लॉग पैरामीटर, LOG 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 पैरामीटर अगर आप यूज करते हो और इसको ट्रू कर देते हो तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो लॉग टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो अभी हमारे पास डेटा है, राइट, यहाँ पे हमारा डेटा की फ्रिक्वेंसी दी गई है कि जो डेटा है 10 to 20 के बीच में वो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 8 वैल्यूज हैं। 20 to 30 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, वो भी 8 वैल्यूज है। 30 to 40 के बीच में अबव 10 वैल्यूज है, राइट, क्योंकि हमने वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ली थी, हमने वैल्यूज ली थी 10 to कहाँ तक ली थी, 10 to 70, राइट। ओके, तो लॉग से क्या होगा, ये जो डेटा है okay, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, लॉग इक्वल्स टू ट्रू दे दिया, इसको एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे देखो ये लॉग टेबल की फॉर्म में आ गया है आपका डेटा, देखो यहाँ पे 7 × 10⁻⁰, 8 × 10⁻⁰, 9 × 10⁻⁰, तो ये लॉग टेबल की फॉर्म में आ गया 10⁻⁰, राइट। ओके, अगर आप अपने ग्राफ में क्या शो करना चाहते हो, ग्रिड लाइंस शो करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, plt.grid फंक्शन का यूज करोगे। तो मैंने plt.grid फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है, राइट, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ग्रिड लाइंस भी आ जाएंगे आपके ग्राफ में। लुक एट दिस, सी आपके ग्राफ में क्या आ गई है, ग्रिड लाइंस भी आ गई हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हिस्टोग्राम को क्रिएट किया है और पैरामीटर्स देखे हैं इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो। ओके, वी कैन क्रिएट पाई चार्ट यूजिंग पाई प्लॉट मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। सो लेट अस स्टार्ट। Pi is a type of graph in which circle is divided into different sectors. तो pie chart कैसा होता है, in the form of circle, जिसको आप किस form में divide करते हो, in sectors, right? These sectors are also called as wedges. इन sectors को wedges भी कहा जाता है। Each sector represents a part of the whole. जो भी sector है वो क्या represent करता है, ये complete chart का particular part represent करता है, right? The arc length of each sector is proportional to the quantity we are describing. तो जो जितने भी sectors होती है उसकी arc length क्या describe करती है, कि कितनी quantity है, right? Okay? See, the arc length of each sector is proportional to the quantity. किसके proportional है, arc length quantity के proportional है। अगर quantity ज्यादा है तो arc length क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर quantity कम है तो arc length क्या होगी, कम होगी, right? A pie plot is used to represent numerical data. Pie plot किसको represent करता है? Numerical data को represent करता है, right? तो pie plot से आप कौन सा data represent कर सकते हो? आप numerical data represent कर सकते हो। We can use pie function of pie plot to plot pie chart. आप pie plot module के pie function का use करते हो क्या create करने के लिए? Pie chart create करने के लिए, okay? Here we have one example to plot a pie chart for the popular languages among the student. तो यहाँ पे हम pie chart create कर रहे हैं on the basis of the popularity of the languages, right? कि students को कौन सी language ज़्यादा पसंद है, right? मतलब किस proportion में languages पसंद की जा रही है student के among, right? ओके, फर्स्ट क्या है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। सबसे पहले आप matplotlib लाइब्रेरी को क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे matplotlib.pyplot, जो ये कंप्लीट मॉड्यूल है ये आपने क्या किया, इंपोर्ट किया एज पीएलटी। अब यहाँ पे पीएलटी क्या दे दिया आपने, इसका एलियास नेम। तो ये कंप्लीट आपको स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पीएलटी का यूज कर सकते हो। ओके, नाउ डेटा टू प्लॉट, अब कौन सा डेटा आपको प्लॉट करना है, आपने लेबल्स ले लिए यहाँ पर, ओके, पाइथन, C++, सी एंड जावा, राइट, आपने लैंग्वेजेस के नेम ले लिए एज अ लेबल्स। देन साइजेस, साइज ले लिया आपने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पाइथन जिनको पसंद है 215, देन C++ 245, जावा जिनको पसंद है 130, देन सॉरी सी जिनको पसंद है 130, जावा 210, ओके, साइज ले लिया आपने, राइट। नाउ कलर्स, अब जो भी सेक्टर्स आएंगे, जो भी सेक्टर्स क्रिएट होंगे उनको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, राइट। फर्स्ट जो है पाइथन को आपने रेड दे दिया, देन आपका C++ येलो दे दिया, सी को आपने ग्रीन दे दिया, एंड देन जावा को आपने ब्लू दे दिया। ओके, आपने इनिशियलाइज कर दिया कलर्स वेरिएबल को बाय द लिस्ट ऑफ द कलर्स, राइट। नाउ वी हैव एक्सप्लोड,
ओके अब एक्सप्लोर क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ईच वेज इज डिस्प्लेड, मतलब सेंटर से कितना दूर ये पर्टिकुलर वेज, ये पर्टिकुलर सेक्टर डिस्प्ले होगा, राइट. एक्सप्लोर मीन्स सेंटर से एक पर्टिकुलर वेज, एक पर्टिकुलर सेक्टर कितनी दूर डिस्प्ले होगा. तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वेज है, पाइथन वाला वेज है, उसको हमने दिया हुआ है 0.1, ओके. एंड जो C++, C एंड जावा है, उसमें हमने सिंपली 0.0 दे दिया, ओके. तो ये तो कम्प्लीटली क्या है, सेंटर से जुड़े हुए हैं, फाइन. लेकिन हमने जो फर्स्ट वाला वेज है उसमें हमने डिस्टेंस दे दिया 0.1 का. तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पाइथन वाला जो वेज है वो स्लाइटली क्या है, सेंटर से अलग है, ओके. नाउ plt.py, अब हम पाई प्लॉट के पाई फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर पैरामीटर्स और यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे. अब मैंने आपको बताया था पाई जो पाई प्लॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे हमने, हमको क्या दिखाना है कि कितने स्टूडेंट्स, ओके, कितने स्टूडेंट्स पाइथन को पसंद करते हैं, कितने C++ को, सी एंड जावा. तो आपने जो फर्स्ट पैरामीटर पास किया है वो साइज पैरामीटर पास किया है, राइट, ओके. अब इसमें जो आर्क बनेगा वो किसके अकॉर्डिंगली बनेगा, साइज के अकॉर्डिंगली बनेगा. देन एक्सप्लोर के अंदर आपने एक्सप्लोर को पास किया, एक्सप्लोर वेरिएबल को यहाँ पे आपने पास कर दिया है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर को डिफाइन कर दिया है. या तो सिंपली आप डायरेक्टली जब आपने फंक्शन के अंदर ही आप इसको डिफाइन कर सकते थे, बट हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो सिंपली आपने एक्सप्लोर इक्वल टू एक्सप्लोर लिख दिया है यहाँ पे, राइट. लेबल्स भी हमने दे चुके हैं, तो हमने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, लेबल वाला, ओके. कलर्स वाला वेरिएबल में आपकी वैल्यू है, आपने कलर्स दे दिए, ओके. देन शेडो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू. अगर आपने शेडो ट्रू की है तो क्या होगा, इसकी शेडो आएगी. तो आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे शेडो भी दिखाई दे रही है, राइट, ओके. तो शेडो भी है हमारे पास. नाउ स्टार्ट एंगल आपका क्या है, 140, राइट. तो आपका ये यहां से स्टार्ट होगा 140 स्टार्ट एंगल पे, राइट, ओके. एंड काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब लाइक दिस, पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज, देन आपकी C++ सेकंड लैंग्वेज, देन आपकी C थर्ड लैंग्वेज, एंड लाइक दिस, ओके. तो ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, ओके, राइट. तो स्टार्ट एंगल आपका क्या था, यहाँ पे 140 से आपने स्टार्ट किया इसको, राइट. बाय डिफॉल्ट जो इसका स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, 0 एंगल से, ओके. देन आपने क्या किया है, plt.legend, लेजेंड फंक्शन से क्या आया है, आपके पास लेजेंड आ गए हैं, ठीक है. देन आपने चार्ट को डिस्प्ले कराने के लिए क्या किया है, plt.show फंक्शन, ये आपका चार्ट डिस्प्ले हो गया, अंडरस्टूड. नाउ हियर वी हैव पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग पाई चार्ट, ओके. लेबल्स, अब ये आपके क्या है, लेबल्स, पाइथन, जावा, C++, ये आपके क्या है, लेबल्स. एड लेबल्स टू द पाई चार्ट विद द लेबल पैरामीटर, लेबल पैरामीटर की हेल्प से. देखो मैंने ये वाली हमने कोडिंग की थी, लेबल पैरामीटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेबल्स को एड कर सकते हो. द लेबल पैरामीटर मस्ट बी एन एरे विद वन लेबल फॉर ईच वेज. तो लेबल पैरामीटर में क्या है, आप क्या देते हो, आप देते हो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, राइट, ओके. और आपको क्या देखना है कि जितने आपकी वेजेस बनने हैं उतने ही आप लेबल्स दोगे, ओके. नाउ स्टार्ट एंगल, द स्टार्ट एंगल पैरामीटर इज डिफाइंड विद एन एंगल इन डिग्रीज. स्टार्ट एंगल में आप क्या करते हो, देखो ये स्टार्ट एंगल हमने दिया था 140, ओके. यहाँ पे हमारा था 140 नियर अबाउट, ये देखो ये हमारा 140 से स्टार्ट हुआ था, 140 से स्टार्ट हुआ था, ओके. तो कहां से आपका स्टार्ट होगा, द स्टार्ट एंगल पैरामीटर इज डिफाइंड विद एन एंगल इन डिग्रीज, डिफॉल्ट एंगल इज 0. डिफॉल्ट एंगल आपका क्या होता है, 0. अगर आपने नहीं दिया है तो आपका वेजेस कहां से बनना स्टार्ट होंगे, आपके वेजेस यहां से बनना स्टार्ट होंगे और काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट टू द क्लॉक, राइट, लाइक दिस, ओके. बाय डिफॉल्ट प्लॉटिंग ऑफ द फर्स्ट वेज स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज. और अगर आपने नहीं दिया, मैंने बताया कि आपका यहां से स्टार्ट होगा वेजेस बनना 0 डिग्री से और आपका काउंटर क्लॉकवाइज आपके वेजेस बनते जाएंगे, ओके.
नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोर्ड पैरामीटर, ठीक है। द एक्सप्लोर्ड पैरामीटर इफ स्पेसिफाइड एंड नॉट नन, अगर आपने एक्सप्लोर्ड पैरामीटर जहां जैसे हमने ये दिया था एक्सप्लोर्ड पैरामीटर आपने स्पेसिफाई किया है, मस्ट बी एन एरे विद वन वैल्यू फॉर ईच वेज, राइट। तो एक्सप्लोर्ड पैरामीटर में आप वैल्यूज दोगे, तो हमने पाइथन के लिए क्या दिया था 0.1 दिया था राइट वैल्यू, और बाकी सबके लिए हमने क्या दिया था 0.0 दिया था। तो बाकी जो है वेजेस वो क्या है वो सेंटर से दूर नहीं है क्योंकि सबकी वैल्यू जीरो थी, बस पाइथन की वैल्यू हमने 0.1 दी थी, तो ये क्या है स्लाइटली सेंटर से क्या है अलग है राइट थोड़ा सा दूर है। ओके, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ईच वेज इज डिस्प्लेड। तो एक्सप्लोर्ड में जो आप वैल्यूज देते हो उससे क्या पता चलता है कि आपके जो वेजेस है वो सेंटर से कितनी दूरी पर डिस्प्ले होंगे, राइट। नेक्स्ट पैरामीटर इज शेडो, एड अ शेडो टू द पाई चार्ट बाय सेटिंग द शेडोज पैरामीटर टू ट्रू। अगर आपको शेडो भी क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे शेडो पैरामीटर को पास करोगे, उसकी वैल्यू को क्या रखोगे आप ट्रू। ओके, कलर्स, यू कैन सेट द कलर ऑफ ईच वेज विद द कलर्स पैरामीटर। द कलर्स पैरामीटर इफ स्पेसिफाइड मस्ट बी एन एरे विद वन वैल्यू फॉर ईच वेज। ओके, तो यहाँ पे हम कलर्स पैरामीटर के अंदर कलर्स की वैल्यूज दे सकते हैं राइट अकॉर्डिंग टू द वेजेस, अगर जितने नंबर ऑफ वेजेस है उतनी ही आप कलर्स दे सकते हो राइट। नाउ वी हैव एग्जाम्पल टू, टू प्लॉट अ पाई प्लॉट फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम इन अ स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन सी स्ट्रीम ली है राइट, परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले क्या है आपको लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt राइट। तो हम किसको यूज करेंगे plt को, जो alias नेम है इसका, ठीक है matplotlib.pyplot मॉड्यूल का। ओके, नाउ प्लॉट डेटा, कौन सा डेटा हमको प्लॉट करना है, स्ट्रीम, स्ट्रीम आपने ले लिया, ये हमने क्या लिए है यहाँ पे हमने लिए लेबल्स मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स विद मैथ्स कॉमर्स विद आईपी ह्यूमैनिटीज राइट। नाउ जो रियल डेटा प्लॉट होगा वो क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, मेडिकल कितने बच्चों ने लिया है 32, नॉन मेडिकल 41, देन कॉमर्स विद मैथ्स 55, कॉमर्स विद आईपी 60, ओके ह्यूमैनिटीज 50। ओके, कलर्स भी आपने डिफाइन कर दिए कि कलर्स जो आपके हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं राइट वो रेड कलर से आएंगे, मतलब उसका जो बनेगा वेज वो कैसे बनेगा रेड कलर का, नॉन मेडिकल का वेज बनेगा गोल्ड कलर का, देन येलो देन ब्लू देन ऑरेंज लाइक दिस। ओके, नाउ एक्सप्लोड, एक्सप्लोड भी आपने दे दिया कि एक्सप्लोड में आपने 0.1 दे दिया, जो फर्स्ट बैच होगा मतलब मेडिकल वाला होगा वो कितना होगा सेंटर से 0.1 क्या होगा उसका डिस्टेंस होगा सेंटर से राइट। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ, तो यहाँ पे plt.pyfunction में आपने क्या पास किया नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लॉट होगा, ठीक है न्यूमेरिकल डेटा जो हमारे यहाँ पे प्लॉट होगा। एक्सप्लोर्ड आपने दे दिया है, ठीक है एक्सप्लोर्ड वेरिएबल में आपने एक्सप्लोर्ड को दे दिया है राइट। ओके, लेबल्स में आपने क्या दिया है, कौन से लेबल्स आएंगे स्ट्रीम, ये आपने स्ट्रीम दे दिया है। कलर्स, कलर्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था रेड गोल्ड येलो ब्लू ऑरेंज, तो ये आपने ये वेरिएबल यहाँ पे दे दिया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑटोपीसिटी राइट। ओके, ऑटोपीसिटी जो है आपका वो क्या है, ये इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो दिया है हमने 1.1 राइट, 1.1 का मतलब है ऑटोपीसिटी जो ये पैरामीटर है इसकी हेल्प से आप परसेंटेज को डिस्प्ले करा सकते हो सेक्टर्स पर राइट। और यहाँ पे 1.1 का मतलब है कि आफ्टर डेसिमल द इंटीजर कैन हैव सॉरी आफ्टर डेसिमल पॉइंट यू कैन हैव वन डिजिट राइट। देखो यहाँ पे जैसे परसेंटेज, इसका परसेंटेज आया 13.4, ओके आफ्टर डेसिमल वन डिजिट, देन 21.0, देन 20, तो यहाँ पे जो ये परसेंटेज आई है वो क्या बता रहा है, ये परसेंटेज है कि जो कंप्लीट आपका पाई चार्ट है उसका कितना परसेंट ये पर्टिकुलर सेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे ये सेक्टर 25.2% ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सेक्टर 21.0% ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 13.4 ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 23.1 ऑक्यूपाई कर रहा है लाइक दिस। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे किसकी हेल्प से, कौन से पैरामीटर से आया आपका ऑटोपीसिटी राइट। ओके, राइट, नाउ plt.title आपने टाइटल दे दिया, यहाँ पे हमने चार्ट को टाइटल भी दिया है ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेटेड स्ट्रीम्स। देन plt.legend आपने लेजेंड भी दिया, लेजेंड में भी आपने एक पैरामीटर पास किया है टाइटल का स्टूडेंट स्ट्रीम, तो देखो लेजेंड भी आया है अलोंग विद द टाइटल स्टूडेंट स्ट्रीम।
ओके नेक्स्ट आपने क्या किया है, अपने ग्राफ को शो करा दिया है plt डॉट शो फंक्शन की हेल्प से, राइट। नाउ सी ऑटोपीसीटी, ऑटोपीसीटी इनेबल्स यू टू डिस्प्ले द परसेंटेज, ओके या ऑटो परसेंटेज है, डिस्प्ले द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ईच स्लाइस। तो ये यहाँ पे जो ऑटो परसेंटेज यू कैन से क्या है, ये क्या कर रही है, डिस्प्ले कर रही है कि कितना परसेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है ऑफ ईच स्लाइस यूजिंग पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑटो परसेंटेज ऑफ परसेंट 1f डिस्प्ले द परसेंट वैल्यू ऑफ 1 डेसिमल प्लेस, मतलब अगर आपने 1f डिफाइन किया है तो आपकी आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या होगा, 1% जो 1 डिजिट आएगा आपका, ठीक है। और अगर मान लो आपने 2f अगर दिया है तो आफ्टर डेसिमल क्या आएगा आपके 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, राइट। ओके नाउ वी हैव द लेजेंड विद हेडर, जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको लेजेंड में हेडर भी देना है तो आप क्या करोगे, टू ऐड हेडर टू द लेजेंड ऐड द टाइटल पैरामीटर टू द लेजेंड फंक्शन। तो आपको लेजेंड फंक्शन के अंदर भी क्या पास करना पड़ेगा, टाइटल पैरामीटर को पास करना पड़ेगा, राइट। और वी कैन क्रिएट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम हिस्टोग्राम, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ पॉलीगन प्रोड्यूस्ड बाय जॉइनिंग अ लाइन सेगमेंट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम कर्व। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे क्रिएट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। हिस्टोग्राम में आप क्या करते हो, जो बिन्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, राइट, और यू कैन से बार्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है, राइट, बार्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट किया जाता है, और उन मिड पॉइंट्स को किसकी हेल्प से ज्वाइन करते हैं, लाइन ग्राफ की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, राइट। तो ये लाइन ग्राफ होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरवल्स के या फिर आप कह सकते हो कि आप बार्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है वो स्टेप की फॉर्म में, राइट, तो इसके मिड पॉइंट को आपने किसकी हेल्प से ज्वाइन किया है, लाइन सेगमेंट, ओके, और यू कैन सी लाइन ग्राफ, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ ह्यूज डेटा फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। तो ये क्या है, डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर की फॉर्म में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका डेटा एनालिसिस में यूज किया जाता है, राइट। ओके तो फर्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, हमें हिस्टोग्राम क्रिएट करना है जिसके लिए चाहिए डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडम डेटा को जनरेट करेंगे, राइट। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट, राइट, एस plt। मैंने क्या किया है, मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया है। नेक्स्ट मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ इम्पोर्ट numpy एस np, numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट रैंडम, ओके, रैंडम मॉड्यूल को आपने इम्पोर्ट कर लिया है। नाउ x इक्वल टू np डॉट रैंडम, ओके, डॉट रेंट इंट। तो हम रैंडम मॉड्यूल के रेंट इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, मुझे नंबर्स चाहिए 10 से लेकर 70 तक, राइट, और कितने नंबर्स चाहिए, मुझे चाहिए 50 नंबर्स, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट आपने क्या किया है, इनको प्रिंट करा दिया, राइट, आपने रैंडम नंबर्स को प्रिंट करा दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। Now here we have got the data, right? अब इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे किसके लिए, हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे करती हूँ इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस plt, राइट, एंड वी हैव गॉट द डेटा, जिसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इस डेटा को आपने क्या किया है, कॉपी कर लिया, ओके, सी नाउ ये डेटा क्या है, ये कोमा सेपरेटेड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कोमा सेपरेट करना पड़ेगा, आपको अपने डेटा को कोमा सेपरेट करना होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डेटा को कोमा सेपरेट कर लेते हैं, राइट, ओके, नाउ वी हैव गॉट द डेटा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा हमारे पास आ गया है, हम अपने खुद के इंटरवल्स ले सकते हैं, क्योंकि मेरा डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 10 से, तो मैं करती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 और मैंने कहाँ तक लिया था, 70 तक। तो मैंने बिन्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया है 10 से लेकर 70 तक, राइट, और यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी वो 70 तक ही होगी, राइट, उससे ऊपर नहीं होगी, राइट, तो ये हमने बिन्स की वैल्यू ले ली, ओके। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है, तो plt डॉट
हिज फंक्शन में आपने क्या पास कर दिया, डेटा पास कर दिया, एंड आपने क्या पास कर दिया, आपने बिन्स पास कर दिया, जिसकी वैल्यू कहाँ पे है, एल वेरिएबल के अंदर है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको टाइटल दे देते हैं। ओके, तो आपने दे दिया पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल मैं दे देती हूँ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि हम वो क्रिएट करेंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम टाइटल दे देते हैं एक्स लेबल, मतलब एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स लेबल। एक्स लेबल में मैं दे देती हूँ बिन्स, राइट, यहाँ पे हमने दे दिया बिन्स, फाइन। फिर हमने दे दिया है पी एल टी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में आप दे देंगे डेटा, राइट। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपका क्या है, पी एल टी डॉट शो फंक्शन, जिससे आपका क्या होगा, हिस्टोग्राम डिस्प्ले होगा, फाइन। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, सी अब आपका यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट होके आ गया है, फाइन। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने हिस्टोग्राम को क्रिएट कर लिया है, फाइन। और यहाँ पे इसके देखो इंटरवल्स जो आपने डिफाइन दिए थे 10 to 20, 20 to 30, दीज आर द इंटरवल्स, ओके। अब हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है इस इंटरवल का, राइट। आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका हिस्ट फंक्शन है, राइट, ये क्या करता है, ये 3 वैल्यूज को रिटर्न करता है, 2 एरेज को रिटर्न करता है और 1 ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो ये हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज को हम इससे ले लेते हैं, एक्स ले लिया हमने वेरिएबल, वाई वेरिएबल ले लिया और हमने ले लिया टेम्प, ओके, इक्वल्स टू पी एल टी डॉट हिस्ट, ओके। और यहाँ पे देखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, फाइन। तो ये जो 2 एरेज आते हैं, एक में क्या आती है, डेटा आता है, डेटा फ्रीक्वेंसी, और एक में क्या आता है, बिन्स की वैल्यू आती है, इंटरवल्स की वैल्यू, राइट। तो नाउ सी, प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, प्रिंट एक्स की वैल्यू, राइट, प्रिंट वाई, वाई की वैल्यू, एंड देन प्रिंट आपने करा दिया टेम्प, जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट किया आपने इसको, नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखो आपका क्या आया है, यहाँ पे आपका आया है डेटा, राइट, लुक सी, ये वाला क्या है, जो एक्स की वैल्यू है, ये क्या है, ये आपका यहाँ से डेटा निकल के आया है, राइट। और जो आपकी ये वाई की वैल्यू है, वो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी बिन्स की वैल्यू है, इंटरवल्स की, 10, 20, 30, 40, 50। और ये आपका जो अबव है, वो क्या है, डेटा की फ्रीक्वेंसी है, कि 12, जो 12 वैल्यूज आई है, किसके बीच में आई है, 10 और 20 के बीच में आई है। लाउ सी, लुक एट दिस नाउ, सी मैं स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे देखो, नाउ ये जो 12 आया है, 12 मतलब 10 और 20 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है, 12, फिर आपकी 20 और 30 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है, 7, ओके, देन आपकी 30 और 40 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है, 11, ओके, 40 टू 50 के बीच में आपकी 10 वैल्यूज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, एक्स में इसने क्या शो कर दिया, डेटा को शो कर दिया, और इसने वाई में शो कर दिया आपका बिन्स की वैल्यू को, राइट, एंड जो टेम्प में है, टेम्प के थ्रू इसने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, रिटर्न किया है, राइट। अब हमारे हमें क्या चाहिए, हमें बिन्स की मिड वैल्यू चाहिए, दिस वैल्यू, राइट, हमें बिन्स की मिड वैल्यू चाहिए, जो यहाँ पे होगी बिन्स की मिड वैल्यू, राइट, जिसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट करेंगे अपना, ओके। अब हमें क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, राइट, तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फोर ईच बार ऑन हिस्टोग्राम, राइट, आपको मिड पॉइंट निकालना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मिड निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर 0.5, ओके, 0.5 आपका क्या है, 1/2, ओके, इंटू वाई, वाई दिस,
प्लस अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा फॉर्मूला है ये. ओके, वन माइनस वन माइनस वन, राइट. ये आपका मिड पॉइंट निकलेगा और आपने मिड पॉइंट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, मिड प्रिंट. ओके, लुक एट दिस नाउ, सी इसको एग्जीक्यूट करेंगे. एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका मिड पॉइंट निकल के यहाँ पर आ गया है. नाउ यू कैन सी ये आपका मिड पॉइंट है. आपका 10 टू 20 के बीच में 15 आया है, 20 टू 30 के बीच में 25 आया है. ओके, और 30 टू 40 के बीच में 35 आया. तो मिड पॉइंट कैसे निकला, देखो वाई यहाँ पे आप देखोगे. नाउ सी सी देखो आपकी वाई की वैल्यू जो आपने दिया है वाई वन, तो वो क्या है 10. दिस वैल्यू आपकी जो है, देखो y1 की वैल्यू क्या है 10 और y माइनस वन में क्या आएगा 20, फाइन. और इसको हमने क्या किया 10, ओके, प्लस 20, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो इस इंटरवल की आपकी मिड की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपकी यहाँ पे मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी 15, फाइन. यही फॉर्मूला हमने ऊपर लगाया है, लुक एट दिस, मैं आपको दिखाती हूँ, यही आप अब करो. तो आपने क्या किया है y1, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10 दिस, ओके, एंड y माइनस वन 20. ये मतलब ये स्टार्टिंग ऑफ y जो आपने स्टार्टिंग इंटरवल की वैल्यू है और ये क्या है एंडिंग जो वैल्यू है, राइट, फाइन. 10 20 और आपने डिवाइड कर दिया इसको बाय 2 और यू कैन से यू आपने मल्टीप्लाई कर दिया इससे 0.5 से. तो इस पर्टिकुलर इंटरवल की ये क्या आ जाएगी मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी. मिड वैल्यू आ गई आपकी, मिड वैल्यू निकल के यहाँ पर आ गई है. ओके, मिड पॉइंट हमारा आ गया. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इस मिड पॉइंट को प्लॉट करना है. plt.plot प्लॉट में आप क्या पास करोगे, मिड पॉइंट को पास करोगे, मिड वैल्यू को, और आप एक्स की मतलब डेटा की वैल्यू को पास करोगे, फाइन. और यहाँ पे आप दे दो, आप यहाँ पे दे दो सिंबल भी, ठीक है. मार्कर भी दे दिया मैंने लाइन प्लॉट के लिए. नाउ यू विल एग्जीक्यूट दिस. यहाँ पे जो plt.plot है इसे हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट एंड द डेटा, राइट. नाउ एग्जीक्यूट दिस. नाउ लुक एट द पिक्चर, आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकल के आ गया. देखो यहाँ से इस फर्स्ट बार का मिड पॉइंट, सेकेंड बार का मिड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड लाइक दिस. तो ये आपका क्या क्रिएट हो गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट हो गया है, फाइन. A box plot is a standardized way of displaying the distribution of data based on a 5-number summary. तो box plot में क्या होता है, data को distribute किया जाता है किस form में, 5 numbers की form में, right? तो कि यहाँ पे जो 5 numbers है वो कौन से होते हैं, minimum value, okay, first quartile, median, third quartile and maximum value, okay? It can tell you about your outliers and what their values are. और जो values क्या होती है, इन values से थोड़ा दूर होती है, हटके होती है, जैसे minimum value आपकी 10 है, ओके? फिर आपने एक वैल्यू और एड ऑन कर दी, आपने मान लो 5 यहां पे लगा दिया लिस्ट में, ओके, या फिर 1 लगा दिया लिस्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू से भी क्या हो गया, और मिनिमम होगी, तो ये आउटलायर कंसीडर हो जाएगी. ऐसे यहां पे 70 है, मैंने यहां पे कर दिया 150, तो ये मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा दूर होगी, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, आउटलायर बोलेंगे, फाइन. ओके, अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग एन एग्जांपल. यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स सीक्वेंस है, ओके, उसकी वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. जब आप बॉक्स प्लॉट बनाते हो तो आपकी वैल्यूज क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए, राइट. तो यहाँ पे हमारी सिक्वेंस में ऑलरेडी ऑर्डर में वैल्यूज है, ओके. तो यहाँ पे देखो जो 10 है वो क्या कंसीडर होगी, वो मिनिमम वैल्यू कंसीडर होगी. 70 आपकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर होगी, ओके. और मीडियन क्या होती है, मीडियन आपकी मिडिल वैल्यू होती है, राइट, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट. तो यहाँ पे जो 40 है हमारी वो क्या है, मीडियन है, फाइन. तो मीडियन को क्या कहा जाता है, मीडियन को कहा जाता है सेकंड क्वार्टाइल, ओके. मीडियन को क्या कहा जाता है, सेकंड क्वार्टाइल. हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई और सेकंड क्वार्टाइल आ गया, राइट. अगर मान लो दो वैल्यू आ रही है मीडियम में, आपकी दो वैल्यूज आ रही है, तो उसका मीडियन आप कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, राइट. अब देखो अब हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड सेकंड क्वार्टाइल निकालना है, ओके. तो आप Q1 कैसे निकालोगे, द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द डेटा वैल्यू टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियम. तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है, मीडियम ऑफ द डेटा वैल्यूज, ओके,
फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द मीडियन, मतलब जो हमारा मीडियन निकल चुका है 40 है, इसके लेफ्ट में जो वैल्यूज होगी उसका जो मीडियन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल बोलेंगे। तो मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू, तो 10, 20, 30, यहाँ पे 10 और 30 के बीच में क्या है 20, तो ये आपका आ गया फर्स्ट क्वार्टाइल। समझ आया, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, मीडियन के जो लेफ्ट में वैल्यूज हैं, ये वाली मीडियन के जो लेफ्ट में वैल्यूज हैं, ओके, उनका जो मीडियन आप निकालोगे, मीडियन क्या होता है मिडल वैल्यू, तो वो आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल। ऐसे ही आपका थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, मीडियन के जो राइट में वैल्यूज हैं, ओके, मीडियन के जो राइट में वैल्यूज हैं उनका मीडियन, ओके, उसका मीडियन, उसका मीडियन क्या है 60, मीडियन मींस 50, 60, 70, इसकी मिडल वैल्यू क्या है 60, तो ये थर्ड क्वार्टाइल हो गया, ओके। तो हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज निकाली हैं, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका बॉक्स प्लॉट आप कैसे क्रिएट होता है, देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे है ये जो हमारा क्या नाम है, ये जो लाइन है फर्स्ट, ये क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू की, इसको विस्क भी बोलते हैं, ओके। देन यहाँ पे देखो Q1 सबसे पहले क्या है, मीडियन की लाइन यहाँ पे आ जाएगी, देखो यहाँ पे मीडियन की लाइन है आपकी Q2 है, ओके, ये वाली लाइन आपकी क्या है, दिस विस्क इज फॉर द मिनिमम वैल्यू, ओके, और यहाँ से ये जो इसको जो कनेक्ट करता है, ओके, बॉक्स प्लॉट से, उसको बोलेंगे बॉटम विस्कर, फाइन। तो और यहाँ पे Q1 की लाइन आ गई है, Q1 की लाइन है, ओके, फर्स्ट क्वार्टाइल की लाइन है, ओके, मीडियन की लाइन है एंड आपकी क्या है थर्ड क्वार्टाइल की लाइन है, फाइन, समझ आया। देखो ये Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल की लाइन है, ये सेकंड क्वार्टाइल की लाइन है और ये थर्ड क्वार्टाइल की लाइन है, तो इनको ज्वाइन करके ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है आपका बॉक्स, ओके, बॉक्स प्लॉट, ओके, और ये विस्कर की हेल्प से आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू से अटैच होता है, फाइन। विस्कर की हेल्प से बॉटम विस्कर एंड ये क्या है आपका टॉप विस्कर, ओके। अब देखो, अब एक हमारे पास वर्ड आता है IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR क्या है, IQR इज द डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल। तो आपका Q1 से लेकर जो Q3 तक का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फाइन। अब देखो अगर आपकी 10 से भी कोई आप एक्स्ट्रा वैल्यू मिनिमम जोड़ते हो तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ओके, वो क्या बन जाएगा आउटलायर्स मिनिमम वैल्यू, या फिर आप मैक्सिमम से भी, तो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा कोई वैल्यू इसमें एड ऑन करते हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, वो आपका आउटलायर बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका बॉक्स प्लॉट क्या होगा, क्रिएट होगा, फाइन। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, ओके, ओके, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt, राइट, सबसे पहले आपको matplotlib लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। अब हम सीक्वेंस ले लेते हैं, हम वही सीक्वेंस ले लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल में ली थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70, राइट, ओके। नाउ आपको सिंपली क्या करना है, plt.boxplot फंक्शन का यूज करना है, बॉक्स प्लॉट फंक्शन में आपको पास करनी है एक्स की सीक्वेंस, राइट, एक्स सीक्वेंस को आपने पास कर दिया एंड देन आपको अपने बॉक्स प्लॉट को क्या करना है, शो करना है, उसके लिए आप शो फंक्शन का यूज करोगे, फाइन। नाउ एग्जीक्यूट दिस, तो यहाँ पे आपका बॉक्स प्लॉट आ गया है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है 10, ओके, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 70, राइट, ओके, ये आपका Q1 है, ओके, दिस इज योर Q2, दिस इज योर Q2 मींस मीडियन, दिस इज फर्स्ट आपका क्वार्टाइल, ओके, सेकंड क्वार्टाइल एंड दिस इज योर थर्ड क्वार्टाइल, ओके, ये आपका बॉक्स प्लॉट यहाँ पे प्लॉट हो गया है, फाइन, ओके। अब यहाँ पे इसकी क्या है, ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट है आपका, राइट, अगर आप नोस्ट बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना चाहते हो, ओके, थोड़ा सा इसके इसके शेप में मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप कौन सा पैरामीटर इसमें पास कर सकते हो, आप इसके अंदर नोच पैरामीटर को पास करते हो तो थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी ये थोड़ा ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, ओके, तो नोच को हम कर देंगे ट्रू, राइट, और बाय डिफॉल्ट नोच क्या होता है, फॉल्स होता है, राइट, तो इसको हम कर देते हैं ट्रू, फाइन। नाउ एग्जीक्यूट दिस,
अब देखो इसकी शेप में डिफरेंस आ गया है, अलग शेप आ गई है, नाउ दिस इज नोच बॉक्स प्लॉट, नाउ अगर आप चाहते हो क्या करना, इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही क्या है वर्टिकल बॉक्स प्लॉट है, बट आप ये चाहते हो इस कैसा फॉर्म में आए, हॉरिजॉन्टली ये क्रिएट हो, तो आप क्या करोगे, आप पैरामीटर पास करोगे वर्ट, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोच को हटा देते हैं, अब हम वर्ट पैरामीटर को लेते हैं, वर्ट पैरामीटर, बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्ट ट्रू है क्योंकि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू, बट हम इसको अब क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे फॉल्स, राइट, नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ सी अब क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया क्योंकि हमने वर्ट पैरामीटर को पास किया और उसकी वैल्यू दी है फॉल्स, राइट, और बाय डिफॉल्ट वर्ट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू, तो वो क्या होता है वर्टिकली आता है, बट यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए वर्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या कर दी है, फॉल्स, नेक्स्ट अगर आपको क्या करना है, अपने बॉक्स प्लॉट की विथ को चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हो आप विथ, WIDTHS width, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई भी फ्लॉट वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने 0.7 दे दी, बाय डिफॉल्ट जो विथ होती है वो 0.5 होती है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा क्योंकि मैंने वर्ड पैरामीटर यहाँ से हटा दिया है, फाइन। तो यहाँ पे देखो इसकी विथ इंक्रीज होगी, पैरामीटर लेबल्स LABELS लेबल्स पैरामीटर, और जो भी आप लेबल देना चाहते हो वो आप ऐसा लिस्ट उसमें पास कर दोगे, जैसे मैं यहाँ पे लेबल देना चाहती हूँ सिंपल बॉक्स प्लॉट, राइट, तो आपने एज अ लिस्ट लेबल्स पैरामीटर के अंदर इसको पास कर दिया है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ लुक एट दिस, आपके पास क्या आ गया, ये पैरामीटर आ गया है, यहाँ पे आपके पास लेबल आ गया है बॉक्स प्लॉट, फाइन, नाउ अगर आप क्या करना चाहते हो, अपने बॉक्स प्लॉट में कलर देना चाहते हो जो डिफॉल्ट कलर होता है, तो आप उसके लिए कौन सा पैरामीटर पास करोगे, उसके लिए हम पैरामीटर पास करेंगे पैच अंडरस्कोर आर्टिस्ट TIST अंडरस्कोर आर्टिस्ट इज इक्वल टू ट्रू, राइट, इसकी वैल्यू आप क्या दोगे, ट्रू, नाउ एग्जीक्यूट दिस। अब देखो आपके बॉक्स प्लॉट में डिफॉल्ट ब्लू कलर आ गया है, नेक्स्ट क्या है, अगर आपको मीडियन शो करना है, मीन वैल्यू शो करनी है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप नेक्स्ट पैरामीटर पास करोगे शो मीन्स MEANS शो मीन्स, मैंने पैच अंडरस्कोर आर्टिस्ट हटा दिया जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे मीन वैल्यू, राइट, तो शो मीन्स दे दिया, एंड इसकी वैल्यू आप दे दोगे ट्रू, राइट, इसकी वैल्यू हमें क्या देनी है, ट्रू, शो मीन्स एंड इसकी वैल्यू आप दे दोगे ट्रू, सी अब देखो यहाँ पे आपका मीडियन क्लियरली शो हो रहा है, दिस इज योर मीडियन वैल्यू, फाइन, बाय डिफॉल्ट आपकी शो मीन्स की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, तो यहाँ पे ऐसा जी बना नहीं होता, मीडियन वैल्यू ये ऐसे शो नहीं करता, एक सिंगल लाइन होती है, अगर आप शो मीन्स को ट्रू कर दोगे तो क्या होगा, इसको ये आपको सिंबल की फॉर्म में मीन वैल्यू दिखाएगा भी, अब अगर आप चाहते हो कि आपके बॉक्स प्लॉट के साथ आउटलायर्स भी शो हो, ठीक है, आउटलायर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जो क्या होते हैं आउट ऑफ रेंज होते हैं, राइट, यहाँ पे ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में है, अगर मैं इसे थोड़ा 70 है, अगर मैं दे दूं 130, राइट, ये इसे काफी दूर हो जाएगा, तो अगर आप इसको देखो एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आउटलायर शो करेगा, देखो दिस इज योर आउटलायर, इसने आउटलायर शो कर दिया, ये आपका कौन सा वैल्यू है, ये आपकी 130 वैल्यू है जो इसने इन द फॉर्म ऑफ आउटलायर आपको शो किया है सर्कल की फॉर्म में, अगर आप क्या चाहते हो आपके ये जो टॉप विस्कर है, ठीक है, टॉप विस्कर है वो इससे कनेक्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप पैरामीटर इसके अंदर आउटलायर के साथ कनेक्ट हो जाए, तो आप कौन सा पैरामीटर दोगे, आप विश पैरामीटर दोगे, राइट, और इसकी हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने इसकी दी 2.5, राइट, तो ये क्या होगा, जो आपका टॉप विस्कर है वो क्या, जो ये लाइन है टॉप विस्कर की लाइन है वो आपके इस आउटलायर से कनेक्ट हो जाएगी, राइट, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, सी अब यहाँ पे क्या, ये अब जो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 130, तो ये आपका टॉप विस्कर जो लाइन है वो 130 से कनेक्ट हो गया मैक्सिमम वैल्यू से, जो आपका पैरामीटर विश है, राइट, जिससे आप क्या कर रहे हो कनेक्ट कर रहे हो, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 1.5,
ओके नेक्स्ट क्या है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे आउटलायर का कलर भी चेंज हो जाए और उसका सिंबल भी जो सर्कल आता है ओके वो भी चेंज हो जाए, तो वो आप कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आउटलायर आपका कैसा आया, आपके फिर वही सेम फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा आउटलायर है ठीक है। तो मैं अब चाहती हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका सिंबल चेंज हो जाए, तो इसके लिए आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे? एस वाई एम सिम पैरामीटर राइट, और इसके अंदर मैंने दे दिया लेटर सपोज मैंने दे दिया जी प्लस राइट, जी प्लस दे दिया तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन और सिंबल क्या हो जाएगा प्लस राइट। ओके नाउ इसको करके देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये ग्रीन कलर में आ गया और सिंबल हो गया है प्लस। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है बी प्लस होता है राइट ओके, ब्लू कलर में और प्लस फॉर्म में होता है बाय डिफॉल्ट, जो सिम की वैल्यू होती है वो क्या होती है बी प्लस ओके। और अगर आप चाहते हो कि आपका आउटलायर क्या हो जाए हाइड हो जाए दिखाई ना दे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिम को क्या दोगे ब्लैंक वैल्यू दे दोगे राइट। यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब देखो आपका आउटलायर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ओके, वो हाइड हो चुका है फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स प्लॉट की प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे फाइन। यहाँ पे मैं सिम पैरामीटर हटा देती हूँ, तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे? आप करोगे बॉक्स props props बॉक्स props ओके, एंड आप डिक्ट फंक्शन के अंदर पास करोगे जो भी आपको प्रॉपर्टी को चेंज करना है। जैसे मुझे कलर चेंज करना है बॉक्स प्लॉट का राइट, मतलब उसकी आउटलाइनिंग का, तो मैंने दे दिया रेड फाइन। इसको आप एग्जीक्यूट करो यहाँ पर। नो देखो आपका बॉक्स प्लॉट की आउटलाइनिंग क्या आ गई है रेड आ गई है राइट ओके। अब मुझे कैप मतलब जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इसका कलर चेंज करना है राइट, तो मैं नेक्स्ट पैरामीटर क्या दूंगी, मैं दूंगी कैप प्रॉप्स ठीक है पी आर ओ पी एस प्रॉप्स कैप प्रॉप्स ओके, और डिक्ट फंक्शन के अंदर आप इसको पास करोगे, डिक्ट के अंदर आप कलर दोगे, जैसे मैंने कलर दे दिया सी ओ एल ओ आर कलर, कलर इसको भी हम रेड ही दे देते हैं या फिर ग्रीन दे दो, चलो जो भी देना है आपको ठीक है। कैप प्रॉप्स ठीक है, ये मैंने किसके लिए दिया है, मैंने कैप के लिए और यू कैन से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, रेड कर देती हूँ तो शायद आपको दिखाई दे जाए, इसको मैं रेड कर देती हूँ ठीक है। वैसे ग्रीन आ गया अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, देखो अब रेड आ गया ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या दे दिया है रेड कलर दे दिया है ओके। अब देखो हमारा बॉटम विस्कर एंड आपका टॉप विस्कर, इसको हमने कोई भी कलर नहीं दिया है तो इसको भी हम दे देते हैं। तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करोगे, इसको मैं इस तरह कर देती हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे किसकी, विस्कर प्रॉप की ठीक है, डब्ल्यू एच आई एस के ई आर विस्कर ओके एंड प्रॉप्स पी आर ओ पी एस प्रॉप्स विस्कर प्रॉप्स ओके एंड डिक्ट, डिक्शनरी के अंदर आप वैल्यू दोगे, इसको भी हम कलर दे देते हैं सी ओ एल ओ आर कलर, जो विजिबल हो हम इसको दे देते हैं रेड कलर राइट। इसको भी हमने विस्कर हमारे रह गए थे बॉटम विस्कर एंड टॉप विस्कर, इसको भी हम दे देते हैं रेड कलर सी। अब ये कंप्लीट इसकी जो आउटलाइनिंग है वो क्या हो गई है रेड हो गई है ओके ओके। अब मुझे क्या करना है, एक ही फिगर के अंदर क्या करना है, एक और बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करना है, मल्टीपल बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको टू बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दिखाती हूँ। अब देखो एक चीज करके दिखाती हूँ, पहले मैंने सीक्वेंस लिया राइट, जो मैं फर्स्ट अभी बनाऊंगी वो कैसे बनेगा, वो एक के ऊपर एक बनेगा मतलब ओवरलैप करेगा राइट। बट हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे वो, उसको हम साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक और सिक्वेंस ले लेती हूँ यहाँ पे 60 ओके, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 70, 80 एंड 90 ओके मैंने एक सीक्वेंस और ले ली है राइट और यहाँ पे आप ले लो, इसको मैं हटा देती हूँ बॉक्स प्लॉट वन और सेम मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ फाइन ओके। और इसको कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब एक में आपका एक्स सीक्वेंस प्लॉट होगा, आप एक में आपका एक्स वन प्लॉट होगा फाइन ओके। नाउ एग्जीक्यूट दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है फाइन। आपका एक्स वन एंड एक्स टू जो बॉक्स प्लॉट बना है वो क्या है एक के ऊपर एक है, ओवरलैप कर रहा है राइट। अब हम क्या करेंगे इसको साइड बाय साइड क्रिएट करेंगे ओके।
तो साइड बाय साइड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया वाई और इसमें हम डाल देते हैं एज अ लिस्ट, ठीक है, इस एक्स वन एंड एक्स टू, सॉरी एक्स एंड एक्स वन, हमारे पास दो सिक्वेंस है एक्स एंड एक्स वन, राइट, एक्स एंड एक्स वन, ओके, एंड अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, फाइन, इसको हमने डिलीट कर दिया, और आपको क्या प्लॉट करना है, आपको प्लॉट करना है वाई को, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, हमने वाई को दे दिया है, ठीक है, और वाई में क्या दिया है, वाई में हमने एक्स एंड एक्स वन सिक्वेंस दिए, राइट, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, सी, अब आपके क्या बॉक्स प्लॉट आ गए हैं, अलग अलग बॉक्स प्लॉट आ गए हैं, जो आपका एक्स बॉक्स प्लॉट है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे वन पे, एंड आपका सेकंड है एक्स वन यहाँ पे, ओके, आप इसको लेबल्स भी दे सकते हो, फाइन, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप लेबल्स दे दोगे, ओके, एल ए बी ई एल एस लेबल्स, फाइन, एंड देन आप क्या करोगे, आप दे दोगे लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ बॉक्स प्लॉट वन, फाइन, एंड सेकेंड वैल्यू में दे देती हूँ बॉक्स प्लॉट टू, ओके, लेबल्स पैरामीटर के अंदर, फाइन, नाउ एग्जीक्यूट दिस, सी, अब हमारे पास क्या आ गया है, बॉक्स प्लॉट की, बॉक्स प्लॉट के लेबल्स भी आ गए हैं, फाइन, यहाँ पे आपका ये बॉक्स प्लॉट वन है, मींस एक्स सीक्वेंस है, ये आपका बॉक्स प्लॉट टू है, एक्स वन सीक्वेंस है। स्कैटर चार्ट इज अ टू डायमेंशनल डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। स्कैटर चार्ट क्या है, ये डेटा को टू डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, डेट यूजेस डॉट्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज, और ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करता है, डॉट्स का यूज करता है, यू कैन से मार्कर्स का यूज करता है, ऑप्टेन फॉर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, वन प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अदर प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस, राइट, तो जो ये डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो दो वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक एक्सिस की, एक वाई एक्सिस की, राइट, तो यहाँ पे अगर हम इस मार्कर को देखें तो इसकी दो वैल्यूज है, इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू वन है और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू टू है, इन द सेम वे अगर हम इस मार्कर को देखें तो इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू टू है, ओके, एंड इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, फोर है, राइट, तो स्कैटर चार्ट डॉट्स के फॉर्म में और यू कैन सी मार्कर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट, लाइन चार्ट भी मार्कर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लाइन चार्ट क्या करता है, लाइन चार्ट में मार्कर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट, बट इन केस ऑफ स्कैटर चार्ट दीज मार्कर्स आर इंडिविजुअल, दे दीज मार्कर्स आर नॉट कनेक्टेड, राइट, ये मार्कर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, ओके, स्कैटर प्लॉट आर यूज व्हेन यू वांट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो स्कैटर प्लॉट का कहाँ यूज किया जाता है, जब आप दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि इसकी एक्स वैल्यू क्या है, इसकी वाई वैल्यू क्या है, लाइक दिस, ओके, स्कैटर प्लॉट्स आर समटाइम्स कॉल्ड कोरिलेशन प्लॉट्स बिकॉज दे शो हाउ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, तो स्कैटर प्लॉट को कोरिलेशन प्लॉट्स भी कहा जाता है, क्योंकि दिखाते हैं कि कैसे दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके, अब हम स्कैटर प्लॉट को क्रिएट करते हैं, ओके, इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है matplotlib.pyplot, राइट, matplotlib लाइब्रेरी को हम यहां इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका pyplot मॉड्यूल भी इंपोर्ट हो रहा है एज PLT, राइट, हमने इसका एक alias नेम ले लिया है PLT, तो हमें ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot.scatter function, राइट, हम सिंपल PLT लिख सकते हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेरिएबल्स, ओके, हमें x सीक्वेंस चाहिए और y सीक्वेंस चाहिए, तो यहाँ पे लेट अस सपोज हमने x सीक्वेंस ले ली 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, राइट, ये आपने x सीक्वेंस ले ली, नेक्स्ट आप लोगे y सीक्वेंस, ओके, वाई सीक्वेंस में ले लेते हैं हम 2, 4 and 6, ओके, 8 and 10 and 12, राइट, ये हमने ले लिया है वाई सीक्वेंस, ओके, ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली PLT.scatter फंक्शन का यहाँ यूज करेंगे, स्कैटर, राइट, और स्कैटर के अंदर आप पास कर दोगे x को, x सीक्वेंस को एंड y सीक्वेंस को, राइट, ओके, आप क्या करेंगे, हम टाइटल दे देते हैं अपने प्लॉट को, टाइटल दे देते हैं हम इसको, दे देते हैं स्कैटर प्लॉट, इसका नेम लिख देते हैं
स्कैटर प्लॉट, ठीक है, इसके लिए टाइटल फंक्शन का यूज किया है, ओके, और फॉन्ट साइज दे देते हैं इसका, जो हमारा ये हेडिंग आए उसका फॉन्ट साइज हम दे देंगे 15, राइट। नेक्स्ट, अब एक्स लेबल एंड वाई लेबल दे देते हैं, एक्स लेबल पीएलटी डॉट एक्स लेबल, ओके, एक्स लेबल पे हम दे देते हैं इसको एक्स सीक्वेंस, राइट, ओके, एंड फॉन्ट साइज हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे 15, एंड इसको यहां पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप दोगे पीएलटी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल हम दे देंगे वाई सीक्वेंस, ओके, एंड फॉन्ट साइज, राइट। अब हमें क्या करना है, अपने प्लॉट को शो कराना है पीएलटी डॉट शो फंक्शन से, फाइन सिंपल। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, ओके। नाउ अब ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपकी वैल्यूज आ गई इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ मार्कर्स, ओके। फर्स्ट आपकी जो एक्स एक्सिस था वो 1 एंड वाई एक्सिस 2, ओके, इस टाइप से वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है आपकी, ओके। यहाँ पे आपका एक्स सिक्वेंस आ गया है, राइट, एक्स लेवल y लेबल, एंड आपने जो टाइटल दिया था चार्ट का स्कैटर प्लॉट वो आपका आ गया है, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, डॉट्स का डिफॉल्ट साइज है, ओके, एंड डिफॉल्ट कलर है ब्लू कलर, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, हम यहाँ पे सी पैरामीटर पास करेंगे, और उसमें आप कलर कोड या कलर नेम दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमने सिंगल वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू दी है तो उसका क्या होगा, जितने भी आपके ये डॉट्स हैं वो किस कलर में आ जाएंगे, रेड कलर में आ जाएंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो नाउ सी, आपके जितने भी डॉट्स हैं वो एक सिंगल कलर में आ गए, क्योंकि मैंने सी वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू इनिशलाइज किया, राइट। अब अगर आप चाहते हो डॉट्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर आए, राइट, तो आप कैसे करोगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कलर वेरिएबल ले लेते हैं, ओके, और उसमें लिस्ट ऑफ कलर्स हम स्पेसिफाई कर देंगे, ओके। फर्स्ट हमने कर दिया रेड, देन आप कर दो येलो, राइट, एंड देन हम दे देंगे ग्रीन, ओके, देन आप दे दो ब्लू, फाइन, ओके, देन मेजेंटा, मेजेंटा बिकॉज वी हैव टू गिव 6 कलर्स, राइट, एंड देन ब्लैक, फाइन। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कलर स्पेसिफाई कर दिया है, और अब क्या करना है, सी में हम इसको आर को हटा देते हैं और इसको कर देते हैं कलर वैल्यू, ओके। हमने कौन सी दे दिया, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने सी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दिया, ओके। अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, लुक एट दिस नाउ सी, आप देखो यहाँ पे कलर्स चेंज हो गए, ठीक है, जो आपने कलर दिए थे रेड येलो ग्रीन ब्लू मेजेंटा एंड ब्लैक, ओके, आपके डॉट्स के कलर क्या हो गए, चेंज हो गए, फाइन, ओके। अभी हमने क्या चेंज किया था, कलर। नाउ आई वांट टू चेंज द साइज ऑफ द डॉट्स, राइट। आपको क्या करना है, साइज चेंज करना है, तो आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, एस, राइट। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर कलर और साइज पैरामीटर नहीं आएगा, इसके अंदर सी एंड एस पैरामीटर जाएगा, ठीक है। तो मैंने एस पैरामीटर इसमें पास किया, और वहां पे मैंने साइज दे दिया, लेट अस सपोज मैंने दे दिया 200 पिक्सल्स, राइट। इसको अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फाइन। नाउ लुक, यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया साइज डॉट्स का, फाइन। अब डॉट का साइज कितना हो गया, 200 पिक्सल्स हो गया डॉट का साइज, राइट। नाउ इफ आई वॉन्ट, अगर मैं चाहती हूँ कि जितने भी डॉट्स हैं इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट आए, सबका सेम साइज ना आए, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ओके, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, साइज कुछ भी ले सकते हैं आप नेम, राइट। तो और इसके अंदर मैं वैल्यूज दे देती हूँ, 100 पिक्सल, 200, 300, 400, 500, ओके, एंड 600, मैंने ये साइज दे दिया है। और यहाँ पे जो मैंने एस वेरिएबल को सिंगल वैल्यू दी थी उसको मैं हटा देती हूँ, और इसके वजह मैं क्या करती हूँ, साइज वेरिएबल से इसको इनिशियलाइज कर देती हूँ, राइट, ओके। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे,
नाउ लुक, क्या हुआ है, साइज आपका चेंज हो गया है, राइट। इसका आपका 100 पिक्सल आ गया, इसका 200, 300, ओके 400, 500, 600। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, डॉट्स का साइज चेंज कर दिया है, राइट। अगर आप चाहते हो राइट कि आपका जो प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है, वो थोड़ा सा क्या है, ब्लर आए, फाइन। तो यहाँ पे आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, आप पैरामीटर पास करोगे अल्फा, राइट, ALPHA अल्फा, ओके। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1 होती है। तो आप इसमें कोई भी प्लॉट वैल्यू यूज कर सकते हो। तो मैं इसको लेती हूँ 0.5, राइट, मैंने अल्फा ले लिया है, ओके। नाउ एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे क्या है, आपका जो प्लॉट है राइट, स्कैटर प्लॉट, वो क्या हो चुका है, ब्लर हो चुका है। आप इसको और ब्लर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको और स्मॉल वैल्यू दे सकते हो। मैंने 5 की जगह यहाँ पे कर दिया 2, लेट अस सपोज मैंने इसको कर दिया 2, ओके। तो नाउ लुक एट द पिक्चर, नाउ देखो अब बिल्कुल ही ब्लर हो गया है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, फाइन। तो अल्फा की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो अपने चार्ट। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, मार्कर है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मार्कर के स्टाइल को चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अल्फा हम लोग कर चुके हैं, अल्फा को हटा देते हैं, अल्फा की जगह आप ले लो मार्कर। मार्कर में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मार्कर स्टाइल्स आप दे सकते हो। जैसे एस दे दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, आप ओ दे दोगे तो सर्कल आ जाएगा, ओके। देन यू कैन गिव द ट्राइंगल, डायमंड, प्लस, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या दे देती हूँ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्टार, फाइन। यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार, ओके, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट दिस। नाउ अब यहाँ पे आप देखो, आपके जो डॉट्स था, पहले डॉट्स थे, अब मार्कर्स क्या बन गया, स्टार बन गया। तो हमने क्या किया है, मार्कर स्टाइल को यहाँ से चेंज कर दिया है, ओके ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने मार्कर्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, स्टार बना दिया है। अब क्या करेंगे, हम मार्कर की एज का कलर देंगे, राइट। तो उसके लिए आपके पास क्या पैरामीटर है, उसके पास आप, इसके लिए हमारे पास पैरामीटर है एज कलर, राइट, एज, COLOR कलर, एज कलर। तो लेट अस सपोज मैं इसकी एज का कलर दे देती हूँ रेड, फाइन। तो मार्कर्स की जो एज है, आउटलाइनिंग है, उसका कलर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मार्कर की एच का कलर क्या आ गया है, रेड आ गया। ये तो टोटल रेडी हो गया क्योंकि ऑलरेडी रेड था, और बाकी में आप देख सकते हो यहाँ पे एच का कलर क्या आ गया है, रेड आ गया, ओके। अब जो एज है आपकी, ठीक है, आप उसकी विथ भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जो आपके मार्कर्स की एज है, आप उसकी विथ भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए हम कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, उसके लिए हम पैरामीटर पास करेंगे लाइन विथ, लाइन, WIDTH विथ, लाइन विथ, ओके। जैसे मैंने लाइन विथ यहाँ पे दे दिए 2 pixels, राइट, और आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो एज थी, ठीक है, उसका क्या है, उसकी विथ इंक्रीज हो गई है, राइट, उसकी विथ आपकी इंक्रीज हो गई। तो आप इसकी हेल्प से क्या दे सकते हो, लाइन विथ पैरामीटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मार्कर्स की एज की विथ को इंक्रीज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, सी मैप पैरामीटर है, राइट। तो इसका यूज क्या है, सी मैप पैरामीटर का आपका यूज क्या है, हम लिख देते हैं फिर इसको बताते हैं, ठीक है। सी मैप पैरामीटर, ओके, इसका यूज क्या है, ये आपका क्या प्रोवाइड करेगा, एक कलर मैप प्रोवाइड करेगा, राइट, ओके। और कलर मैप क्या है, कलर मैप इज लाइक अ लिस्ट ऑफ कलर्स, राइट, वेयर ईच कलर हैज अ वैल्यू। कलर मैप, इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कलर्स, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, एक कलर मैप आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या है, जो भी कलर की वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे, वो कलर उस पर्टिकुलर मार्कर में आ जाएगा, फाइन। तो मैं यहाँ पे कलर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, यहाँ पे कलर्स, कलर मैप में कलर्स होते हैं 0 to 100, फाइन, ओके। एंड कलर मैप इज कॉल्ड एज, जो डिफॉल्ट कलर मैप होता है उसका नाम होता है विरिडिस, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विरिडिस, डिफॉल्ट वाला हम यूज करते हैं, ओके। और उसके लिए आपको कलर्स में क्या देनी है, आपको कलर्स में देनी है वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम ये इसको हटा देते हैं कलर, और यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यूज, ठीक है। कहाँ से, 0 to 100 वैल्यूज होती हैं, फाइन। तो मैं यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने दे दिया 20, 30, 40, देन आपका 50, 60, 70 दे दो, 70,
ओके 1 2 3 4 5 6 तो 6 मार्कर्स है, उनके लिए मैंने कलर स्पेसिफाई कर दिया है ओके एंड यहाँ पे मैंने सी मैप दे दिया है, सी मैप और उसकी वैल्यू मैंने दे दी है वेर इट इज विच इज द डिफॉल्ट कलर मैप ओके है। हमें कलर बार शो कराने के लिए पीएलटी डॉट कलर बार फंक्शन भी देना होगा, कलर बार फंक्शन राइट पीएलटी डॉट कलर बार ओके नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट ओके फाइन नाउ लुक एट द पिक्चर ओके। अब आपने क्या किया है यहाँ पे देखो, जहां पे 20 है वहां पे ये कलर आ गया आपका राइट ओके 30 पे आपका ये कलर आएगा, कलर बार भी आया है जो आपका शो कर रहा है कलर्स ओके 40 पे आपका ये कलर है, 50 पे आपका दिस कलर, 60 दिस कलर एंड 70 दिस कलर राइट। तो यहाँ पे आपने कलर बार को भी शो कर दिया है ओके एंड यहाँ पे आपने सी मैप ओके पैरामीटर की हेल्प से क्या किया है, कलर्स दिए हैं मार्कर्स को फाइन ओके आप डिफरेंट डिफरेंट सी मैप्स यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिफॉल्ट लिया था विरिडिस राइट, मैं कोई और यूज करना चाहती हूँ तो मैं कोई और भी यूज कर सकती हूँ, जैसे हम ले लेंगे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे मैं ले लिया एसेंट एसेंट राइट नाउ एग्जीक्यूट दिस फाइन। तो देखो यहाँ पे एसेंट जो आपका कलर मैप है सी मैप है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ओके। आप और भी ले सकते हो, आप ले लो यहाँ पर ब्लूज फाइन। तो यहाँ पे पूरी टेबल होती है सी मैप की ठीक है ओके, कलर मैप की पूरी टेबल होती है, आप उसमें से कोई भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लूज फाइन ओके। यहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट करो, ये आपको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेगा ओके। वन मोर एक और एग्जांपल हम लेके इसमें देख लेते हैं फाइन। हमने ले लिया ग्रीन्स, ग्रीन्स ले लिया फाइन, इसको एग्जीक्यूट करो। देखो ऑलमोस्ट ये सारे ग्रीन्स है, ब्लूज में सारा ब्लू था ओके। ग्रेज ले लेते हैं डार्क, मतलब एक और ले लेते हैं फिर हम नेक्स्ट करेंगे पैरामीटर। ग्रेज ले लिया, इसमें देखो ऑलमोस्ट सारे कलर क्या होंगे, ग्रे फॉर्म में होंगे फाइन ठीक है। तो ये हमने क्या, आप सी मैप में टेबल होती है उसका, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में कलर्स को दे सकते हो फाइन। अब मैं ये चाहती हूँ यहाँ पर देखो मेरी कलर बार आई है, मैं कलर बार को भी टाइटल देना चाहती हूँ फाइन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरे कलर बार को मैं एक वेरिएबल दे देती हूँ, टी दे दिया लेट अस सपोज ओके ओके। नाउ मैं अब टी के साथ कर देती हूँ वैल्यू को सेट, टी डॉट सेट लेबल, सेट लेबल और इसका हम नेम रख देते हैं कलर बार, क्योंकि ये कलर बार ही है कलर बार ओके। एंड इसका भी फॉन्ट साइज हम दे देंगे 15 राइट, इसका भी फॉन्ट साइज हमने दे दिया 15 ओके। तो हमने क्या किया, कलर बार को भी एक लेबल दे दिया है यहाँ पर, इसको एग्जीक्यूट करेंगे फाइन। तो आप यहाँ पे देखो कलर बार का भी लेवल आ गया है, सी यहाँ पे कलर बार का भी लेवल आ गया है फाइन ओके। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसी प्लॉट के अंदर मैं एक दूसरे डेटा को भी प्लॉट करना चाहती हूँ ठीक है। मल्टीपल प्लॉट्स आप सेम फिगर के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया जी ओके और इसमें हम वैल्यूज दे देते हैं 11 ओके 13 15 17, 18 एंड 19 राइट। मैंने इसकी वैल्यू ले ली है फाइन। अब इसको भी हमें प्लॉट करना है ओके। तो यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीपल स्कैटर्स चार्ट बना रहे ओके। पीएलटी डॉट स्कैटर फंक्शन का आप यूज करोगे, पीएलटी डॉट स्कैटर और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस को पास कर दिया एंड जी को पास कर दिया फाइन। कलर में मैंने कलर को ही ले लिया है यहाँ पर राइट ओके एंड एस में मैंने साइज को ले लिया, यहाँ पे आप साइज ले लो फाइन। एंड मार्कर, मार्कर मार्कर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर प्लस ले लो ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया मार्कर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग नौ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सिक्वेंस थी वो प्लॉट हो रही है और यहाँ पे आपकी सेकेंड सिक्वेंस प्लॉट हो रही है फाइन। तो आपने एक चार्ट के अंदर दो सीक्वेंस को क्या किया है, प्लॉट करा दिया है फाइन। ऐसे ही आप नंबर ऑफ सीक्वेंसेस को एक ही स्कैटर प्लॉट के अंदर आप क्या कर सकते हो,
टू सिक्वेंसेस, थ्री सिक्वेंसेस, फोर सिक्वेंसेस उनको प्लॉट करा सकते हो, राइट? ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.